अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और बाप, बाप का नाम क्या लिखें? तुझे क्या लगता है गंगूबाई भूख खाती है? कंगना के सुर गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं बड़ा सना आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। संजय लीला भंसाली की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी थिएटर में रिलीज हुई और इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मूवी इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटी ने भी मूवी में आलिया भट्ट की एक्टिंग को काफी प्यार दिया है। ऐसे में कंगना रनौत के भी सुर बदल गए हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मूवी माफिया की तारीफ की है, जबकि इससे पहले आलिया को बिम्बो बताते हुए मूवी की सबसे बड़ी गलती गलत कास्टिंग बताया था। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और गंगूबाई काठियावाड़ी की तारीफ करते हुए लिखा, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि साउथ मूवी इंडस्ट्री में थिएटर्स फिर से रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर वापसी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि हिंदी बेल्ट में भी महिला प्रधान मूवी जिसमें एक बड़ा हीरो और स्टार डायरेक्टर के साथ कुछ बेबी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। वे कदम छोटे हो सकते हैं लेकिन महत्व ही नहीं, वे उन थिएटर्स के लिए फायदेमंद होंगे जो वेंटिलेटर पर हैं। ग्रेट, कभी नहीं सोचा था कि मूवी माफिया इस मौके पर आएगा और कुछ अच्छा करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे, बेहतरी के लिए उम्मीद है। इससे पहले कंगना ने आलिया भट्ट को संजय लीला भंसाली की मूवी के लिए जाने को लेकर काफी कुछ उल्टा सीधा कहा था। आलिया का नाम लिए बिना ही पापा की परी कहते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा था कि फ्राइडे 200 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर जलकर खाक हो जाएंगे। हालांकि आलिया भट्ट ने कंगना रनौत के इस तरह के बयान पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अपने परफॉर्मेंस से जवाब दे रही हैं। बता दें कि कंगना एक रियलिटी शो लॉकअप शो करने जा रही हैं, जो 27 फरवरी से स्ट्रीम हो रहा है। वेल दर्शकों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला भंसाली की नई पिक्चर आ रही है। फिल्म में आलिया भट्ट ने टाइटलर रोल निभाया है। 4 फरवरी को ट्रेलर आया। ट्रेलर वैसे तो काफी पावरफुल है, लेकिन इसमें विजय राज के किरदार को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल विजय राज फिल्म में एक ट्रांसजेंडर बने। फिल्म में उनका नाम रजिया होता है, जिसकी गंगूबाई के साथ वर्चस्व की लड़ाई चलती दिखती है। ट्रेलर से ही जनता विजय राज के अभिनय की फैन हो गई, लेकिन वो किरदार किसी ट्रांसजेंडर एक्टर को नहीं देने के चलते विरोध भी हो रहा है। गंगूबाई काठियावाड़ी वैसे तो आलिया भट्ट की फिल्म है। ट्रेलर में ये साफ दिख रहा है कि आलिया ने अपने किरदार पर खूब मेहनत की है। कोठे पर जबरन लाई गई लड़की की मासूमियत और वहां रहते हुए आई परिपक्वता, दोनों ही बिंदुओं को आलिया ने सहजता से पकड़ा है।
पर ट्रेलर आने के बाद से विजय राज का किरदार काफी चर्चा में। रजिया बाई जो गंगू बाई की राइवल है एक ट्रांसजेंडर है। राइवल इसलिए कि ट्रेलर में एक संवाद के दौरान रजिया बाई गंगू बाई से कहती है, कमाठीपुरा रजिया बाई का था, कमाठीपुरा रजिया बाई का रहेगा। एक यूजर ने लिखा, ट्रेलर जबरदस्त जा रहा था और फिर ये व्यक्ति आया और इसने सबसे स्पॉटलाइट छीन। एक ने लिखा, मैं पहले इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड नहीं था, लेकिन विजय राज को देखने के लिए अब उत्साहित हूं। शुभम ने भी ट्रेलर रिव्यू में लिखा है, विजय राज जैसे कैलिबर वाले एक्टर के साथ आलिया भट्ट के एनकाउंटर वाले सीन्स उनके अभिनय की असली परीक्षा होंगे। अब आखिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पर एक बड़े तबके, खास तौर पर LGBTQ समुदाय के लोगों ने विजय राज के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के किरदार निभाने की खूब आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, क्या बॉलीवुड ट्रांस सेक्सुअल किरदारों के लिए स्ट्रेट लोगों को कास्ट करना बंद करेगा? ये 2022 है और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस देश में इतना टैलेंट है कि एक ट्रांस सेक्सुअल व्यक्ति एक ट्रांस सेक्सुअल किरदार निभाए। दूसरे यूजर ने लिखा, बॉलीवुड को ट्रांस लोगों की जॉब छीनना बंद कर देना चाहिए। आशुतोष राणा, अक्षय कुमार, वाणी कपूर, विजय राज, लिस्ट बहुत लंबी। यहाँ संघर्ष में आशुतोष राणा के लज्जा शंकर पांडे के किरदार की, लक्ष्मी बॉम्ब में अक्षय कुमार के किरदार लक्ष्मी की, चंडीगढ़ करे आशिकी में वाणी कपूर के किरदार मानवी की बात हो रही है। तीनों ने ट्रांसजेंडर किरदार निभाए थे। विजय राज एक कमाल के एक्टर है और इसमें कोई दो मत नहीं। वो बेशक इस किरदार को जस्टिफाई करेंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, लेकिन यहाँ बात है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रांसजेंडर प्रतिनिधित्व। फिल्म एक पॉपुलर मीडिया है, तो अगर कोई फिल्म मेकर ट्रांसजेंडर से जुड़ी कोई फिल्म बना रहा है, मतलब कि वो ट्रांसजेंडर्स को फिल्मी मुहावरों में नॉर्मलाइज कर रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर कहानी में ट्रांसजेंडर की जगह है तो फिल्म में क्यों नहीं? मिसाल के तौर पर Amazon Prime पर एक सीरीज आई थी पाताल लोक, उसमें एक किरदार था हैंथोई का किरदार निभाया था मणिपुर की एक ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस मेरिम्बम रोनाल्डो सिंह। सीरीज के क्रिएटर्स को इस बात के लिए बहुत सराहा गया था, ऐसे और कदम उठाए जाएं तो ट्रांसजेंडर मुद्दों पर बढ़िया कहानी स्क्रीन पर आ सके। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। मसाला, कहानी, ताबड़तोड़ किरदार, जब सब इस फिल्म में है तो बाकी फिल्मों को कैसा गुरूर है? जी हाँ, गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म जो 25 फरवरी को सिनेमा घर में आई और आते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ साथ जनता के दिलों पर भी अपनी छाप छोड़ दी। तभी तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिल्म का कलेक्शन भी बढ़ रहा है। अगर आपको आंकड़े बताएं तो फिल्म ने पहले दिन 10.50 करोड़ की कमाई की, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 13 करोड़ को पार कर गई, जिससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि फिल्म वीकेंड डे पर इससे ज्यादा की कमाई अपने नाम करेगी, और ऐसा ही हुआ। फिल्म ने संडे को 17% की छलांग लगाकर 15 करोड़ से 15.6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। ऐसे में बताया जा रहा है कि फिल्म को आने वाले शिवरात्रि जो मंगलवार को पड़ रही है उससे काफी मुनाफा होगा, क्योंकि दो दो वीकेंड्स के बाद आने वाला मंगलवार भी वीकेंड ऑफ के चलते ज्यादा तादाद में जनता आएगी फिल्म देखने। अब ये तो रही डायरेक्टर के लिए खुशखबरी, लेकिन जो अब हम बात आपको बताने वाले हैं उससे आप और खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि अब गंगूबाई को आप थिएटर के बाद अपने घर में भी बैठकर देख सकते हैं। जी हाँ, फिल्म के OTT रिलीज डेट आ गई है सामने और फिल्म OTT पर भी सभी को 10 मार्च को देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो फिल्म अभी किस OTT पर नजर आएगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ रूमर्स की माने तो फिल्म के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं और शायद फिल्म इसी पर देखने को मिले। पर तब तक के लिए हमें और आपको करना होगा थोड़ा और इंतजार, लेकिन जो थिएटर में फिल्में देखने के दीवाने हैं उनके पास अभी भी मौका है, तो फटाफट से जाइए अपने नजदीकी थिएटर्स में और आलिया की बेहतरीन एक्शन का मजा उठाइए। गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आ रही हैं और उनके साथ इस फिल्म में अजय देवगन, शांतनु माहेश्वरी जैसे और भी कई महान कलाकार शामिल हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने और प्रोड्यूस किया है संजय लीला और जयंतीलाल गड़ा ने। इस वजह से बनाते हैं भंसाली अधूरी प्रेम कहानी। किस किस फिल्म में रहा प्यार अधूरा, क्यों है भंसाली की जिंदगी अधूरी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। संजय लीला भंसाली की प्रेम कहानियां दिल को छू लेती हैं। प्रेम और दर्द के ये डायरेक्टर लगभग 59 साल के हो गए हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर का जन्म 24 फरवरी 1963 को हुआ था। इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि उनकी फिल्मों में प्रेम, दर्द और विरह का कॉम्बिनेशन क्यों इतना देखने को मिलता है।
संजय लीला भंसाली ने कुछ समय पहले दिए अपने इंटरव्यू में इस बात को माना था कि वो रिलेशनशिप में थे लेकिन वो चल नहीं सका। उन्होंने माना था कि उनकी जिंदगी अधूरी हो सकती है लेकिन दुख भरी नहीं है। जब संजय लीला 50 साल के हुए थे उन्होंने कहा था, प्रेम, दर्द, जुनून और इनसे जुड़ी हर बात ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। मैंने जुनूनी भरी प्रेम कहानियां बनाई हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। मेरी आज मेरी जिंदगी के अधूरेपन को भरने का काम करती है। दिलचस्प यह है कि संजय लीला भंसाली ने इस इंटरव्यू में सलमान खान को अपने दिल में काफी करीब बताया था। सलमान खान संजय लीला भंसाली के साथ खामोशी और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्में बना चुके हैं। खामोशी हालांकि सफल नहीं हो सकी थी लेकिन इसे क्रिटिकली काफी सराहाया गया था। बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी। 25 फरवरी को संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज होने जा रही है। उसमें भी गंगू का प्यार अधूरा रह जाता है। क्या मुकदमा हुआ है काठियावाड़ी पर? क्यों नहीं चाहता कानून की फिल्म हो रिलीज? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज से ठीक पहले एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। एक कांग्रेस नेता ने फिल्म का नाम बदलने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर बुधवार को सुनाई होनी थी। वहीं स्थानीय निवासियों की ओर से भी एक याचिका दायर करके फिल्म पर स्टे लगाने की मांग की गई है। बता दें, गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मंगलवार को कांग्रेस नेता और विधायक अमीन पटेल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि फिल्म कमाठीपुरा इलाके को रेड लाइट एरिया के तौर पर दिखाती है जिससे इस जगह और काठियावाड़ी समुदाय का नाम खराब हो रहा है। अमीन पटेल की याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस किताब पर फिल्म आधारित है उसमें गंगूबाई का सरनेम काठियावाड़ी नहीं है। टाइटल से इस शब्द को हटाने की मांग की याचिका की गई है। अमीन पटेल की याचिका में निर्देशक संजय लीला भंसाली, निर्माता जयंतीलाल गड़ा और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सेंसर बोर्ड को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। वहीं दोस्तों, लाइवला वेबसाइट के अनुसार एक याचिका कमाठीपुरा के निवासियों की ओर से भी फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि फिल्म में पूरे कमाठीपुरा इलाके को रेड लाइट एरिया की तरह दिखाया गया है। अगर फिल्म रिलीज हो जाती है तो इस इलाके की महिलाओं को मुश्किल हो सकती है। बता दें दोस्तों कि गंगूबाई के परिजन भी फिल्म को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट टाइटल रोल में है। फिल्म की कहानी एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर से ली गई है जो एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे हालात से मजबूर होकर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतरना पड़ा है, मगर अपनी सूझबूझ और साहस के दम पर वो अंडरवर्ल्ड और कमाठीपुरा इलाके की क्वीन बन जाती है। फिल्म में अजय देवगन रहीम लाला के किरदार में नजर आएंगे और हाल ही में गंगूबाई काठियावाड़ी की स्क्रीनिंग बॉलीन फिल्म फेस्टिवल में हुई थी। क्या खास है इस नए प्रोमो में? कैसा रिश्ता था गंगूबाई का रहीम लाला के साथ? क्या कहा आलिया ने फिल्म में अपने एक्सपीरियंस को लेकर? बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज के लिए तैयार है और जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के टीजर और गानों के वजह से लोग पहले ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने लोगों की बेताबी को बढ़ाने के लिए एक नया प्रोमो जारी कर दिया। दोस्तों, इस प्रोमो में अजय देवगन के रोल से पर्दा हटाया गया है। अभिनेता माफिया डॉन की भूमिका में अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है। वहीं ये प्रोमो फैंस के खूब पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि यूट्यूब पर चंद ही घंटों में प्रोमो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज भी मिल गए। दोस्तों, फिल्म में अजय माफिया डॉन रहीम लाला के रोल में है जो प्रोस्टिट्यूट गंगूबाई यानी की आलिया भट्ट के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोमो में घायल और पस्त गंगू को रहीम लाला से मदद मांगते हुए दिखाया गया क्योंकि करीम लाला अपने ईमान, धर्म और धंधे का पक्का है और गंगू को उससे मदद की उम्मीद है, जिसके बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और रहीम लाला ही गंगू को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब इसके अलावा एक सीन में आलिया अजय के पैर भी छूते हुए दिखाई दे रहे। अजय को उसके ऊपर किए गए सभी एहसानों के लिए शुक्रिया कहती है, जिसके बाद अजय आलिया को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हुए उसे माफिया क्वीन कहते हैं। फिल्म का ये प्रोमो अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। पोस्ट साझा करते हुए अजय ने लिखा, ईमान, धर्म, धंधा, हम आ रहे हैं 6 दिनों में। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को संजय लीला भंसाली ने निर्देशित किया है जो कि 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में फिल्म का गाना जब सैया रिलीज किया गया था जिसमें एक्टर शांतनु महेश्वरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब गाने को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा अजय और आलिया फिल्म RRR में भी साथ नजर आएंगे। दोस्तों, इस फिल्म में अपने किरदार की तैयारियों और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम के अनुभव को लेकर आलिया ने कई बातें बताई। सच कहूँ तो हाँ, जब फिल्म रिलीज हो जाती है तब दर्शकों को अपनी फिल्म सौंप देते हैं, तब उस किरदार से निकलकर दूसरे किरदार की ओर बढ़ते हैं। बस अब तक इस फिल्म के साथ नहीं हुआ।
कोरोना महामारी की वजह से इस फिल्म को शूट करने में ही 2 साल लग गए। मैं आज भी इस किरदार को बहुत ज्यादा करीब लेकर घूम रही हूँ। हाँ, हाईवे के दौरान भी ऐसा हुआ था। उस किरदार में मैं कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर रही थी। वो दिल्ली की लड़की थी, बड़े घर से थी। उसके जीवन में एक ऐसा सफर शुरू होता था जो उसे बदल देता था, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ के किरदार में इसे रिलेट नहीं कर सकती। जब आप किरदार से रिलेट नहीं करते, फिर भी आपका जुड़ाव किरदार के साथ ज्यादा हो जाता है, तो वो कलाकार के लिए बहुत ज्यादा अनोखी चीज होती है। अब ऐसे में क्या अभिनेत्री अपने किरदार को फिल्म में न्याय दे पाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा भंसाली को किसने दिया? क्या दलीलें दी थी भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस। मैं बड़ा सनाज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को राहत मिली है। मूवी की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसका मतलब आलिया की ये मूवी अपने टेस्ट शेड्यूल पर ही रिलीज होगी। रियल गंगूबाई के परिवार ने इस मूवी पर सवाल उठाए थे। अपने बर्थडे के दिन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए इससे अच्छी कोई और ट्रीट नहीं हो सकती। उनकी मूवी पर फंसा पीट आखिरकार सुलझ ही हो गया। फैंस ने भी चैन की सांस ली है। वे अब बड़े मजे के साथ आलिया की मूवी को शुक्रवार के दिन थिएटर्स में एंजॉय कर पाएंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी टाइटल पर आपत्ति जताई गई थी, इसे बदलने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए निर्माता ने कहा कि आखिरी मौके पर मूवी का टाइटल बदलना संभव नहीं है। केस दायर करने वाले के पास गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा होने का कोई सबूत नहीं है। 2011 में छपी किताब पर इतने सालों तक तो कोई चुनौती नहीं दी गई। हमारी मूवी में गंगूबाई का अपमान नहीं किया गया है। भंसाली प्रोडक्शन के वकील आर्यमा सुंदरम ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अभी तक मूवी भी नहीं देखी है। इसमें गंगूबाई की छवि और चरित्र का कोई अपमान या हनन नहीं किया गया है, बल्कि ये मूवी तो एक महिला के उत्थान की कहानी है। ऐसा कोई तथ्य याचिकाकर्ता के पास नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि मूवी गंगूबाई के चरित्र का अपमान करती है। ये याचिका खारिज की जानी चाहिए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि शुक्रवार को ये मूवी पूरी दुनिया में रिलीज होनी है। कई ऐसे थर्ड पार्टी के अधिकार इससे जुड़े हैं। उनके अधिकार 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं, जिनमें प्रोड्यूसर, एंकर, प्रदर्शक यानी थिएटर वाले शामिल हैं। ये चेन रिएक्शन की तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। जाहिर है कि ऐसे में कोई भी प्रतिकूल आदेश इन पर सीधा असर डालेगा। देश विदेश के हजारों थिएटर में ये मूवी एक साथ रिलीज होगी। अदालत ये भी ध्यान रखे कि रिलीज रोकने से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, डिस्ट्रीब्यूटर, थिएटर, दर्शक सहित कितनों पर कितना असर पड़ेगा। जस्टिस जेके महेश्वरी ने कहा कि आपकी दलील का मुख्य आधार ये दावा है कि आप गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र हैं। इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि आपको बताना होगा कि किस विधि से आपको उन्होंने पुत्र के तौर पर दत्तक बनाते हुए गोद लिया था। आपने अब तक कहीं पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है कि आपको ये अधिकार कैसे मिला। कौन सी बड़ी मुसीबत में फंसी फिल्म? क्या फिल्म की रिलीजिंग पर लग सकती है रोक? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। जी हां, संजय लीला भंसाली की फिल्म पर अब गंगूबाई के परिवार ने आपत्ति दर्ज कराई है और इस फिल्म को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगूबाई के परिवार ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म में सही रियलिटी से छेड़छाड़ की है। फिल्म में गलत फैक्ट्स दिखाए गए हैं। गंगूबाई के बेटे के मुताबिक उनकी माँ एक सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन फिल्म के अंदर उन्हें प्रोस्टिट्यूट के तौर पर दिखाया गया है। इस दौरान गंगूबाई की फैमिली ने यह भी कहा कि संजय लीला की इस फिल्म के बनने को लेकर उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई। तो वहीं ये भी बताया गया है कि जब गंगूबाई पर किताब लिखी गई, उस वक्त भी परिवार की इजाजत नहीं ली गई थी। दरअसल गंगूबाई के परिवार में उनके बेटे बाबू राव जी शाह और उनकी पोती भारती फिल्म को लेकर बेहद नाराज हैं। पिछले साल बाबू राव जी शाह ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। फिल्म के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। इसके बाद संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को मुंबई की एक अदालत ने वॉर्न भी किया था।
हालांकि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। मामला अभी भी पेंडिंग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबू राव जी शाह ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरी माँ को वैश्या बना दिया गया है, लोग अब मेरी माँ के बारे में बेवजह बातें करते रहते हैं। और सवालों का ये घेरा शुरू हुआ गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर से। उसके बाद से ही असली गंगूबाई का परिवार बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। ऐसे में गंगूबाई का परिवार अब मुंबई में बार बार अपना घर बदल कर रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते के साथ ही आसपास के लोग उनसे तीखे सवाल कर रहे थे, जिससे वे परेशान हो गए थे। बताते चले, गंगूबाई ने 4 बच्चों को गोद लिया था, लेकिन आज उनका परिवार काफी बड़ा है। गंगूबाई के परिवार में 20 लोग रहते। तो यहाँ तो अब मामला बिगड़ता दिख रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी की असली कहानी बड़े पर्दे पर आने के बाद घर के लोगों या उस इंसान को पता चल रही हो। इससे पहले भी नीरजा, KGF 1, द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों को लेकर ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी फिल्म बड़े पर्दे पर भी आई और धूम मचाया है। और अब बारी है संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। देखते हैं इस बार इस परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। तो मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या सच में राइटर फिल्म की कहानी में मसाला, एक्स्ट्रा इमोशन डालने के लिए इंसान की छवि से छेड़छाड़ करते हैं। इसी के साथ फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मैं स्वाति लेती हूँ आपसे इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बताते जाएं कि आपको क्या लगता है, क्या फिल्म पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। क्यों भंसाली के ऑफिस से भाग गई थी आलिया भट्ट? कहाँ गंगूबाई काठियावाड़ी का मूवी फेस्टिवल होगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं बड़ा सुना जॉब के लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। मूवी के ट्रेलर में आलिया भट्ट को जबरदस्त काम करते हुए देखा गया था। मूवी के गानों को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड मूवी फेस्टिवल में गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रीमियर होना है। अब मूवी के डायरेक्टर, जी हाँ, डायरेक्टर साहब संजय लीला भंसाली ने इस मूवी के बारे में कुछ बातें कही हैं। आइए जानते हैं। जूम के साथ इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट के बारे में बताया, पहली बार जब उन्होंने मूवी का नरेशन सुना तो वो अपना बैग उठाकर मेरे ऑफिस से भाग गई थी। वो सोच रही थी कि ये क्या उनके साथ अभी हुआ है और मैंने कौन सा रोल उन्हें दे दिया है। वो बस वहां से भाग गई। भंसाली ने आगे बताया कि अगले दिन आलिया भट्ट ने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि उनसे मिलना चाहती हूँ। भंसाली बोली, मैंने उन्हें कहा मुझे ना बोलने के लिए आपको मुझसे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है आलिया। इस पर आलिया हंस पड़ी थी। फिर आलिया ने कहा कि वह वही करेंगी जो भंसाली उनसे करवाना चाहते हैं। संजय लीला भंसाली ने फिर से आलिया से कहा, अनजाने में कूद जाओ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या करूँगा। संजय लीला भंसाली की बनी गंगूबाई काठियावाड़ी एक पीरियड मूवी है। इस मूवी में गंगूबाई की कहानी दिखाई गई है। गंगूबाई 60 के दशक की पावरफुल और इज्जतदार माफिया क्वींस में से एक थी। वो मुंबई के रेड लाइट एरिया का कमाठीपुरा पर राज किया करती थी। आलिया भट्ट इस मूवी में गंगूबाई का लीड रोल निभा रही है। इस बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी को भंसाली ने लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पर आधारित किया है। इस मूवी से डीवी आउट और शांतनु महेश्वरी डेब्यू भी कर रहे हैं। मूवी में अजय देवगन करीम लाला का रोल निभाते नजर आने वाले हैं। बर्लिन इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल में गंगूबाई काठियावाड़ी का वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। इसके लिए आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली बर्लिन पहुंचे थे। यहाँ भंसाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी मूवी के बारे में कई सारी बातें की हैं। मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में भंसाली ने कहा, ये कैसी औरत की कहानी है जो वैश्यवृत्ति में फंस जाती है और फिर कैसे इससे लड़ाई करती है, कैसे वे औरतों की इज्जत और उन लड़कियों के समाज में अपनाए जाने के लिए लड़ाई लड़ती है। वो वैश्यवृत्ति के प्रोफेशन को कानूनी बनाने की मांग करती है और ये सब तब हुआ था जब फेमिनिज्म और नारी सशक्तिकरण जैसी चीजें नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने समय में काफी आगे थी। कौन क्या? गंगूबाई काठियावाड़ी।
दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नहीं दिया अभी तक नोटिस का जवाब। हेलो, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं बड़ा सना आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। गंगूबाई काठियावाड़ी जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। संजय लीला भंसाली की मूवी का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन रिलीज से पहले ये विवादों में घिर चुकी है। मूवी में आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है, उनके साथ अजय देवगन कैमियो रोल कर रहे हैं। गंगूबाई के परिवार वालों ने मूवी को लेकर नाराजगी जाहिर की है और अब इस पर कोर्ट की ओर रुख किया है। उनके वकील का कहना है कि ट्रेलर देख परिवार हैरान है। एक ऐसी महिला जिसने समाज के लिए इतना काम किया, उसे सेक्स वर्कर की तरह दिखाया गया है। गंगूबाई के गोद ली हुई बेटे बाबूराव जी शाह ने मूवी को लेकर साल 2021 में एक याचिका भी दायर की थी। मुंबई की एक अदालत ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को इस मामले में तलब भी किया था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मूवी के रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया और निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक और मानहानि की कार्रवाई पर भी अंतरिम रोक लगा दी। मीडिया से बातचीत में बाबूराव जी शाह ने कहा, मेरी माँ को वैश्य बना दिया गया है, अब लोग बिना वजह मेरी माँ के बारे में बातें कर रहे हैं। वकील ने आगे बताया कि परिवार वालों को जब पता चला कि गंगूबाई के जीवन पर मूवी बन रही है, तब से वे छिपके फिर रहे हैं। वे घर शिफ्ट कर रहे हैं, अंधेरी या बोरेवली जा रहे हैं। मूवी में गंगूबाई को जिस तरह से दिखाया गया है, उसके बाद कई रिश्तेदार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गंगूबाई वाकई एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो क्या सोशल वर्कर नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, हमने संजय लीला भंसाली और हुसैन जैदी को नोटिस भेजा है, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। गंगूबाई की नातिन भारती ने बताया कि मेकर्स पैसे के लिए उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मूवी के लिए परिवार की सहमति नहीं ली गई है, यही नहीं किताब लिखने के लिए भी उनसे परमिशन नहीं लिया गया। क्या कहा आलिया ने अपनी ट्रोलिंग को लेकर, कैसे गेटअप में नजर आई हैं आलिया अपने बर्लिन प्रीमियर में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाला है। इसके लिए आलिया बर्लिन पहुंच गई हैं। उन्होंने बर्लिन से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें आलिया का ऑफ शोल्डर लुक देखने को मिल रहा है, इसमें वो बेहद खूबसूरत भी दिख रही हैं। आलिया भट्ट इन दिनों में अपनी मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर चर्चा में है। फिल्म अगले हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और जब से संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर आया है, लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आलिया 72वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या बर्लिनाले 2022 में अपनी फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आलिया भट्ट की इन तस्वीरों को मार्कोस ने क्लिक किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा रही हैं। और दोस्तों, ऑफ शोल्डर व्हाइट गाउन में आलिया बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, साथ ही उनका मेकअप फ्रेश, ड्यूई और मिनिमल लग रहा है। ये उनके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बना रहा है और हर प्रमोशन के जैसे इस बार भी सफेद गुलाबों का गजरा भी अपने बालों में लगाया हुआ है आलिया ने। वैसे दोस्तों, फिल्म इस समय केवल इसी बात को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि ट्रोलिंग को लेकर भी है। दरअसल, जब से फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, जहां कुछ लोग आलिया की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि आलिया की जगह इस फिल्म में डायरेक्टर ने विद्या बालन और कंगना को क्यों नहीं लिया, और कंपैरिजन यहीं से शुरू हो गया और इसमें घी का काम कर गई बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की स्टेटमेंट। उन्होंने इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर कहा कि बिकाऊ मीडिया, और मुझे इस ट्रेलर को देखकर ऐसा कर बस खराब एक्टिंग और गलत कास्टिंग ही नजर आ रही है, मानो जैसे कोई छोटे बच्चे को गैंगस्टर बना दिया हो। इस फिल्म को डिजिटली रिलीज करना चाहिए। दोस्तों, अपने इन सभी ट्रोल्स पर आलिया ने हाल ही में जवाब देते हुए कहा कि उन पर संजय लीला को विश्वास है और मेरे ट्रेलर के बाद कई बहुत से लोग मुझसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो फिल्म आने पर कितना पसंद करेंगे मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखते हैं आगे फिल्म और कितने विवादों में फंसेगी। दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन भी अहम भूमिका में है। इसमें आलिया को गंगूबाई के लीड रोल में दिखाया गया है। गंगूबाई 1960 के दशक के दौरान कमाठीपुरा की सबसे शक्तिशाली सम्मानित महिलाओं में से एक थी। दोस्तों, ये फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गंगूबाई काठियावाड़ी से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक और 7 अन्य फिल्मों की रिलीज डेट क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक्सक्लूसिव न्यूज सिर्फ आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। सिनेमा प्रेमियों के लिए फरवरी से अगस्त तक का महीना काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इन 7 महीनों के अंदर 7 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनका इंतजार दर्शकों को काफी दिनों से है।
इन 7 फिल्मों में गंगूबाई काठियावाड़ी, लाल सिंह चड्ढा, जर्सी, रक्षाबंधन, भूल भुलैया 2, अटैक और ट्रिपल आर का नाम शामिल है। इन सभी फिल्मों की रिलीज डेट भी फाइनल हो चुकी है और साथ ही साथ बता दें कि ये सारी फिल्में सिनेमा घरों में ही रिलीज होंगी। तो आइए अब आपको इन सभी फिल्मों की रिलीज डेट भी बता देते हैं, जिन्हें आप नोट करके भी रख सकते हैं। सबसे पहली लाइन में खड़ी है बॉलीवुड की क्यूटी पाई आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि 25 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिर आता है मूवी ट्रिपल आर। इस मूवी में राम चरण, जूनियर एंटिया, आलिया भट्ट और अजय देवगन खास रोल निभा रहे हैं। ये मूवी पहले जनवरी 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन तब महामारी के कारण मेकर्स को मूवी की रिलीज टालनी पड़ी थी। SS राजामौली के निर्देशन में बनी ये मूवी 25 मार्च 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। अटैक, जॉन इब्राहिम, रकुल प्रीत और जैकलिन फर्नांडिस स्टारर अटैक की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। मूवी का पहला पार्ट 1 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगा। जर्सी की बात करें तो शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड मूवी जर्सी की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि ये मूवी अब सिनेमा घरों में 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। भूल भुलैया 2, कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू की मूवी भूल भुलैया 2 को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। मूवी भूल भुलैया का दूसरा पार्ट है, ये मूवी 20 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की मोस्ट अवेटेड मूवी। लाल सिंह चड्ढा की फैंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। पहले ये मूवी सिनेमा घरों में 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये मूवी 11 अगस्त 2022 को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। रक्षाबंधन, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल रॉय की अपकमिंग मूवी रक्षाबंधन भी 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है। अब तो दर्शकों हमने आपको 7 फिल्मों के नाम बता दिए, तब बस ये 7 महीनों को आप पॉपकॉर्न वाले मंथ मानकर जश्न मनाइए। साथ ही साथ ये बताइए कि आप कौन सी मूवी देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? किसने की आलिया की शिकायत संजय लीला भंसाली से? कैसा रहता है आलिया का बिहेवियर घर पर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं वर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर बिजी चल रही है। हाल ही में वो निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ बर्लिन इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल में पहुंची। यहां गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रीमियर हुआ और यहां संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट के कई सारे राज खोले, साथ ही साथ मीडिया के दिए गए सवालों पर जवाब भी दिया। इस दौरान संजय लीला भंसाली ने ऑडियंस के प्रश्न पर मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर को शिकायत है कि आलिया भट्ट घर पर भी गंगूबाई काठियावाड़ी के कैरेक्टर में ही रहती हैं। संजय लीला भंसाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रेस मीट में जवाब देते दिख रहे हैं। जब उनसे गंगूबाई किरदार और आलिया भट्ट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आलिया भट्ट असल जिंदगी में गंगूबाई के किरदार में रहती हैं। उनके बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर मुझसे एक दिन इनकी शिकायत कर रहे थे कि आलिया घर पर भी गंगूबाई की तरह ही बात करती है। आलिया ने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। इससे पहले संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट के डांस की भी काफी तारीफें की थी। मीडिया से बातचीत में भंसाली ने कहा था कि वे एक अच्छे डांसर भी हैं। वो भूल जाती हैं कि उनके सामने कौन है और वो हमेशा किरदार और काम पर फोकस करती हैं। बता दें गंगूबाई काठियावाड़ी सिनेमा घरों में 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। काठियावाड़ी में क्या अजय देवगन की झलक ने फैंस को बनाया दीवाना? क्या थिएटर में खींचेगा रहीम लाला? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनी का जियार। दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन इस वक्त फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर चर्चा में चल रहे हैं, जहां वो अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। इस वक्त अजय देवगन के किरदार को एक ट्रेलर रिलीज के जरिए दिखाया गया है और काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म में अजय देवगन रहीम लाला का किरदार कर रहे हैं, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा
माफिया था। गंगूबाई को बड़ा बनाने वाला रहीम ही था। आलिया भट्ट ने रहीम लाला को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है, कहा है रहीम लाला बम्बई का राजा आ रहा है 6 दिनों में। गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को थिएटर में रिलीज हो गए। फैंस इस लुक के सामने आने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अजय देवगन का लुक देखने लायक है और इस फिल्म की यूएसपी भी है। संजय लीला भंसाली ने जब से अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हुआ तब से ही काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आलिया भट्ट एकदम अलग अंदाज में नजर आ रही है। उनके सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं, लग ही नहीं रही है कि वो आलिया भट्ट है, और यही उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग है। जिस रोल को करती है उसमें डूब जाती है। बात करें अजय देवगन के रोल की तो काफी पसंद किया जा रहा है और किस तरह से बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है आलिया भट्ट को। वो प्रॉमिस करते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम अब से हमारी बिजनेस पार्टनर हो। आलिया भट्ट अपनी फरियाद लेकर रहीम लाला के पास जाती है और कहती है कि कोई तुम्हारा धंधा तोड़ने की कोशिश करे तो क्या करेंगे। तो फिर अजय देवगन बोलते हुए नजर आते हैं कि इसका फैसला तो खुदा ही करेगा। तो फिर आलिया भट्ट कहती है तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। इसके बाद दोस्तों फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि रहीम लाला गंगूबाई को बहुत ज्यादा मदद करते हैं, अपनी बहन बना लेते हैं, और जिस वजह से वो माफिया क्वींस बन जाती है और वेश्याओं के हक के लिए लड़ाई करती है। गंगूबाई की कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, क्योंकि वो छोटे से गांव की एक लड़की थी सीधी सादी, जो कि किसी के प्यार में पड़कर चली जाती है मुंबई, और वहां वो आदमी उसे बेच देता है। और फिर गंगू को पता चलता है कि इस दलदल से वो बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन वो हौसला रखती है और उन सभी महिलाओं की लड़ाई लड़ती है। आखिरकार आलिया भट्ट की गंगूबाई काठिया पर क्यों चली सेंसर की कैची। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार है। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा UA प्रमाण पत्र दे दिया गया है, साथ ही सेंसर की थोड़ी सी कैची भी चली है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म से 2 सीन डिलीट कर दिए गए हैं और 2 डायलॉग्स में कुछ शब्दों को हटाया भी गया है। कट के बाद फिल्म से 1 या 2 मिनट का वीडियो कम हुआ है। वही एक दृश्य जिसे बोर्ड द्वारा डिलीट कराया गया है उसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गंगूबाई पर गुलाब लगाते हुए दिखाया गया है। ये फिल्म गंगूबाई के जीवन पर आधारित है, जो काठियावाड़ से आती है और अंततः गवाजीपुरा की मैडम बन जाती है। ये माफिया क्वींस ऑफ मुंबई किताब पर आधारित है, क्योंकि फिल्म में रेड लाइट एरिया की पृष्ठभूमि है। इसमें बोर्ड भाषा और दृश्य मौजूद है, लेकिन कुछ छोटे बदलाव के साथ सेंसर बोर्ड ने फिल्म को UA सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है। ये वास्तव में निर्माताओं के लिए एक बड़ी राहत है। फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन, विजयराज, शांतनु महेश्वरी और सीमा पहुआ भी अहम भूमिकाओं में हैं। गंगूबाई मुंबई के गवाजीपुरा एरिया में अपना कोठा चलाकर उन लड़कियों की मदद करती थी जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती थी। वहीं गंगूबाई इन लड़कियों के हक के लिए भी लड़ती थी। ये फिल्म उन्हीं के जीवन पर आधारित है। गंगूबाई काठियावाड़ी का असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। उनका जन्म साल 1948 में गुजरात के काठियावाड़ में एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके परिवार के लोग वकालत से जुड़े थे, लेकिन उन्हें पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और वो अभिनेत्री बनना चाहती थी। जब गंगूबाई 16 साल की हुई तो उनको अपने पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाख से प्यार हो गया। परिवार वाले इस रिश्ते के लिए न मानते, इसीलिए उन्होंने लव मैरिज करने का फैसला किया और पति संग भाग गई मुंबई। लेकिन पति ने उन्हें धोखा दे दिया और मुंबई में एक कोठे पर 500 रुपए में बेच दिया। हालत के सामने घुटने टेक कर गंगूबाई ने ये एक्सेप्ट कर लिया और वेश्यावृत्ति को अपनाना पड़ा। उन दिनों एक मशहूर डॉन करीम लाला था। जब किसी ने गंगूबाई का साथ नहीं दिया तब करीम लाला ने उनका साथ दिया। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। फिल्म में करीम लाला का किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। गंगूबाई ने सेक्स वर्कर, अनाथ बच्चों और धोखे से कोठे पर लाई जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए कई काम किए थे। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठानी शुरू की, अनाथ बच्चों के लिए काम किए। गंगूबाई कमाठीपुरा में हुए घरेलू चुनाव में शामिल हुई और जीत भी हासिल की। अब गंगूबाई काठियावाड़ी के नए सॉन्ग जब सैया ने कैसे उड़ाए सभी के होश, क्या आलिया का ये रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआल। दोस्तों फाइनली गंगूबाई काठियावाड़ी का दूसरा सॉन्ग रिलीज हो चुका है, जब सैया, और इसमें गंगूबाई बनी हमारी आलिया भट्ट इतनी ज्यादा रोमांटिक, उनकी आंखों में इतनी ज्यादा जील दिखाई दे रही है कि पूछिए मत। और वो शांतनु के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही है। गाने की तारीफें तो की जा रही है, श्रेया घोषाल की तारीफें की जा रही है कि इतनी मेलोडियस वॉइस, और श्रेया ने इसे बहुत ही ज्यादा प्यार से गाया है। जब सैया आए शाम को
तो चांद लग गए मेरे नाम को, इस तरह के लिरिक्स है और काफी डीप मीनिंग रखते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आलिया भट्ट और शांतनु की जो केमिस्ट्री है वो नेक्स्ट लेवल ही है। हर एक मूव मास्टरपीस बन जाता है। आलिया भट्ट की गंगूबाई का आप इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। गानों ने और ट्रेलर ने ऑलरेडी फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है और 25 फरवरी को इसे रिलीज किया जाना है। फिल्म में आलिया को संजय लीला भंसाली बिल्कुल ही नए अवतार में पेश करने वाले हैं। वहीं कास्टिंग में भी बड़ी फेरबदल की गई थी। आपको बता दें कि फिल्म में आलिया भट्ट की कास्टिंग की तो गंगूबाई आलिया के लिए बनी ही नहीं थी। इस फिल्म की जगह आलिया भट्ट ने संजय लीला भंसाली की इंशाल्लाह साइन की, लेकिन सलमान खान ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। लेकिन सलमान खान के साथ इंशाल्लाह करने के चक्कर में आलिया ने आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा भी रिजेक्ट कर दी। भंसाली के पास आलिया की एक मुश्त डेट थी जिसे वो जाने नहीं देना चाहते थे और यही कारण था कि उन्होंने आलिया के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी बनाने का फैसला लिया। आलिया भट्ट से पहले ये फिल्म दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी को ऑफर हो चुकी थी। सबसे पहले संजय लीला भंसाली रानी मुखर्जी के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हुए और रानी ये फिल्म करने के लिए नहीं मानी। इसके बाद ये फिल्म पहुंची दीपिका पादुकोण के पास। दीपिका उस समय विशाल भारद्वाज की फिल्म सपना दीदी फाइनल कर चुकी थी। सपना दीदी में दीपिका पादुकोण एक गैंगस्टर का किरदार निभाने वाली थी और उन्होंने भंसाली को गंगूबाई के लिए ना कह दिया था। भंसाली भी आलिया की डेट्स को कहीं जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो आलिया के टैलेंट को तब से जानते हैं जब से आलिया ने रणबीर के साथ केवल 11 साल की उम्र में भंसाली के लिए बालिका वधू नाम की एक फिल्म का टेस्ट शूट कराया था। उस समय रणबीर 20 साल के थे। आखिरकार आलिया के हिस्से गंगूबाई काठियावाड़ी आ ही गई। फिल्म में पहली बार भंसाली आलिया भट्ट को एक डार्क किरदार में पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं आलिया भट्ट के लिए संजय लीला भंसाली के साथ काम करना सपने से कम नहीं है। आलिया पहली भी दो बार भंसाली की फिल्मों के लिए ऑडिशन दे चुकी थी, लेकिन भंसाली ने आलिया को कास्ट नहीं किया। आलिया ने संजय लीला भंसाली की ब्लैक के लिए रानी मुखर्जी के बचपन के रोल का ऑडिशन भी दिया था, लेकिन भंसाली को आलिया का ऑडिशन इतना पसंद नहीं आया कि वो आलिया का डेब्यू इतने छोटे से किरदार से होते नहीं देखना चाहते थे। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 60 के दशक की माफिया क्वींस पर आधारित है जो कमाठीपुरा में कोठा चलाती है, लेकिन वहां की लड़कियों के लिए भगवान थी। फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बनी है। फिल्म कोठों की जिंदगी की असली कहानी है। ऐसे में फिल्म में संजय लीला भंसाली सेट और खूबसूरत के स्तर पर क्या करेंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि संजय की फिल्में अपने सेट डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन के लिए भी जानी जाती है। फिल्म में अजय देवगन भी एक खास भूमिका में करीम लाला बने गंगूबाई के मुंह बोले भाई और बहुत मदद करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस गाने ने चारों तरफ तहलका मचा दिया है और लोग तारीफें करते नहीं थक रहे। आलिया भट्ट की आपको कितना पसंद आया ये गाना, कितना वेट है फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। थी गंगूबाई की मर्जी, नेहरू की किस बात पर गंगूबाई ने डांटा था, क्यों हुए नेहरू गंगूबाई से प्रभावित। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का दर्शकों के बीच एक जबरदस्त बज बना हुआ है। इस फिल्म में आलिया भट्ट पहली बार लेडी डॉन की भूमिका में नजर आएंगी। वहीं फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन का भी कैमियो है। अजय देवगन फिल्म में करीम लाला के किरदार में नजर आने वाले हैं। अजय देवगन का फिल्म में कैमियो होने के बाद भी उनका सोलो पोस्टर रिलीज किया गया है। इसकी खास वजह यह भी है कि गंगूबाई के जीवन में करीम लाला की अहम भूमिका रही है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिन फिल्म का ट्रेलर आया, इसे काफी पसंद किया गया। ये कहानी एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। गंगूबाई का प्रभाव सिर्फ गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड तक ही नहीं था, बल्कि बड़े राजनेता भी उनसे प्रभावित थे। गंगूबाई ने वुमेन एम्पावरमेंट समिट में वैश्यावृत्ति के पक्ष में ऐसी स्पीच दी थी जो सुर्खियों में आ गई। धीरे धीरे गंगूबाई के चर्चे उस वक्त प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचे। किताब में घटना का जिक्र है जब गंगूबाई ने नेहरू से कहा था कि क्या वो उन्हें मिसेज नेहरू बना सकते हैं। कहा जाता है कि मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में ऐसा कोई घर नहीं जहां गंगूबाई का फोटो ना हो। गुजरात के संपन्न परिवार की बेटी गंगा हरजीवन दास प्यार में धोखा खाकर गंगूबाई बन गई। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। पिता के अकाउंटेंट रमणीक लाला से प्यार हुआ।
गंगा ने घर वालों के खिलाफ जाकर उनसे शादी की और उनके पति ने ही 500 रुपए में उनका सौदा कर दिया। गंगा ने हालात से समझौता किया लेकिन मन ही मन तय किया कि किसी और लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देगी। गंगूबाई के कोठे पर बड़े बड़े गैंगस्टर आते थे और करीम लाला को उन्होंने मुंह बोला भाई बनाया था। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया की दशा सुधारने के लिए कमर कस ली थी। महिला सशक्तिकरण की एक समिट में गंगूबाई ने ऐसी स्पीच दी जिसकी गूंज देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। इस भाषण में गंगूबाई ने शहरी इलाकों में वैश्यावृत्ति की जरूरत पर जोर दिया था। जवाहरलाल नेहरू उनकी रेड लाइट एरिया की स्थिति सुधारने की इच्छा से प्रभावित हुए। जब गंगूबाई को जवाहरलाल नेहरू से मिलने का मौका मिला, उन्होंने नेहरू से कहा कि वो अपने भाषणों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेक्स वर्क्स की स्थिति सुधारने का मुद्दा उठाए। गंगूबाई ने उनसे आग्रह किया कि वो कुछ करें ताकि सेक्स इंडस्ट्री की महिलाओं को बराबरी का हक मिले और वो सम्मानजनक जिंदगी जी पाए। जवाहरलाल नेहरू गंगूबाई से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मुलाकात के दौरान गंगूबाई से कहा कि उन्होंने ये काम क्यों चुना, जबकि वो एक अच्छा पति चुनकर बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी। इस पर गंगूबाई ने नेहरू से पूछा, क्या आप मुझे मिसेज नेहरू बनाएंगे? उनके सवाल का जवाहरलाल नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था। तब गंगूबाई ने कहा, उपदेश देना बहुत आसान होता है लेकिन इसे कर पाना मुश्किल। तो दोस्तों, आप आलिया की इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। कौन सी बात खल गई ट्रेलर में? कास्टिंग कैसी है, पावरफुल या वीक? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं बड़ा सा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। कहते हैं कमाठीपुरा में कभी अमावस्या की रात नहीं होती क्योंकि वहाँ गंगू रहती है। इसी दमदार डायलॉग नारेशन के साथ शुरू होता है गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर। लंबे वक्त से कोविड के कारण डीले हो रही आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। 3 मिनट 15 सेकंड लंबे ट्रेलर में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आइए इस पर बात करते हैं। वैसे दर्शकों, सारी बातें शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये भंसाली का 2.0 है। कैसे? अरे भाई ऐसे, संजय लीला भंसाली अपने मनमोहक विराट सेट्स के लिए मशहूर है। गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर देखकर एक बात तो दावे से कही जा सकती है कि ये रेट्रो का जमाना भंसाली साहब ने स्क्रीन पर इस बार भी बखूबी उतारा है। ट्रेलर में देखे सीन्स ही काफी हैं ये बात कहने के लिए कि मूवी की सिनेमेटोग्राफी A1 है। प्रोडक्शन डिजाइन बहुत पॉलिश्ड है जो उतना साफ तो नहीं लगता, लेकिन यही तो बात है भंसाली की कि वो गंदगी को भी एकदम सफाई से दिखा रहे। नॉर्मली भंसाली की फिल्मों में बैकग्राउंड्स को माइल्ड होता है, लेकिन गंगूबाई में भंसाली ने अपनी पिछली फिल्मों से उल्टा रेट्रो वाइब्स वाला गैंगस्टर टाइप बैकग्राउंड्स को रखा है जो बहुत ही कूल साउंड कर रहा है। गंगूबाई काठियावाड़ी को संजय लीला भंसाली ने लगता है अपने 2.0 अवतार में बनाया है, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म में जहां गहरे डायलॉग्स के लिए जानी जाती है उससे उल्टा इस मूवी में भंसाली ने कॉमिक पंचेस डाले हैं जो दुर्भाग्य से बेहतर लैंड नहीं हो रहे हैं। अगर दर्शकों कास्टिंग की बात करें तो लीडिंग लेडी आलिया भट्ट गंगू के किरदार में पूरी तरह से फिट बैठ रही है। आलिया बिल्कुल वैसे ही हिंदी बोलती हुई दिख रही है जैसी एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में आई असल गंगूबाई बोलती होंगी। उनके चेहरे पर किशोर अवस्था में कोठे पर जबरदस्ती लाई गई गंगू की मासूमियत और समाज की भट्टी में झुलस कर आई दृढ़ता दोनों नजर आती है। आलिया की डायलॉग अदायगी भी जानदार है। हाँ, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन उतना बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर पूरी फिल्म देखकर कमेंट करना बेहतर होगा। मूवी की सपोर्टिंग कास्ट भी एकदम दमदार है। लेकिन अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक मेरी नजर एक जगह पड़ी और बात मुझे खल गई। क्या थी वो बात, आइए दर्शकों जानते हैं, शुरू करते हैं और बड़े विस्तार से भी बताते हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर स्मार्टली कट किया गया है जिससे मूवी का कोर प्लॉट रिवील नहीं होता। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल मोस्टली ट्रेलर में ही लोग पूरी फिल्म देख लेते हैं, लेकिन एक शिकायत फिर भी है। ट्रेलर में मेकर्स ने मूवी के सबसे ज्यादा तालियां और सीटियां बटोरने वाले सीन्स को डालकर सरप्राइजिंग फैक्टर किल कर दिया है। वो सीन है अजय देवगन की मूवी में एंट्री। ट्रेलर में अजय देवगन हाजी मस्तान से प्रेरित किरदार में एंट्री लेते हुए दिखते हैं। हालांकि ये बात सभी को पहले से मालूम है कि अजय गंगूबाई काठियावाड़ी में कैमियो कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी इस सीन को मूवी के लिए बचा के रखा जाता तो ज्यादा बेहतर होता। गंगूबाई काठियावाड़ी आधारित है हुसैन जारी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर। ये मूवी 25 फरवरी को रिलीज होगी ओटीटी पर नहीं थिएटर्स में। हमारे हिसाब से तो गंगूबाई बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। बाकी सटीक टिप्पणी तो मूवी देखकर ही की जा सकती है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू। क्या है आलिया पर कोर्ट कचहरी का चक्कर? हाई कोर्ट का क्या कहना है इस बात पर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी दर्शकों कई सारी इंटरेस्टिंग बारी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर को आगामी हिंदी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के संबंध में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और लेखक एस हुसैन जैदी और जैन मॉर्गन के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में कार्यवाही पर दी गई रोक को बढ़ा दी है। एस के शिंदे ने 7 अगस्त में एचसी द्वारा दी गई अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। इस साल की शुरुआत में आलिया भट्ट और अन्य ने एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। जब एक बाबूजी राजू गंगूबाई काठियावाड़ी के अडॉप्टेड बेटे होने का दावा करते हैं, ने आरोप लगाया कि मूवी के कुछ हिस्से मानहानिकारक थे और उनकी छवि को धुंधला दिखाया गया है। उनकी दिवंगत माँ 1960 के दशक के दौरान मुंबई के रेड लाइट एरिया कमांडीपुरा की एक शक्तिशाली मैडम थी। शिंदे ने कहा कि शाह अब तक ये साबित करने में विफल रहे हैं कि वो काठियावाड़ी के कानूनी रूप से अडॉप्टेड बेटी थे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान देने योग्य है। मानहानि के मुकदमे में केवल किसी के करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों का शिकायत करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने आगे कहा, ये मुद्दा ध्यान देने योग्य है क्योंकि मानहानि के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों तक सीमित है। इसलिए श्री शाह के लिए ये साबित करना काफी जरूरी था कि वो उनमें से ही एक थे। बता दें दर्शकों की हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कार्यवाही और समन पर रोक लगा दी गई है। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्यों शौकीन थी गंगूबाई फिल्मों की? किसे पहली बार मारा था गंगूबाई ने? गंगूबाई के पावर की क्या थी वजह? हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ। तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पद्मावत और बाजीराव मस्तानी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और प्रोड्यूस कर रहे हैं जयंती लाल गड़ा। बात की जाए फिल्म के बाकी की कास्ट की, तो फिल्म में नजर आएंगी हम सभी की चहेती आलिया भट्ट जो निभाएंगी गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार, और दूसरी तरफ फिल्म में नजर आएंगे बॉलीवुड के यंग हैंडसम एक्टर कोरियोग्राफर एंड डांसर शांतनु महेश्वरी। इस फिल्म में आपको गंगूबाई काठियावाड़ी के अंदर की बातें भी पता चलेगी, जैसे कि क्यों वो फिल्मों की इतनी शौकीन थी। दरअसल गंगूबाई को उनके पार्टनर 16 साल की उम्र में मुंबई ले आए थे और उन्होंने बाद में गंगूबाई को बेच दिया था और उनको अकेले छोड़ दिया था। और गंगूबाई को बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना था और तब से वो मुंबई आई थी, उनको फिल्म में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया। गंगूबाई हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित को भी एडमायर करती थी और उनकी जैसी सेम एक्टिंग करने की कोशिश करती थी। गंगूबाई ने पहली बार एक करीम लाला के गैंग को पहली बार मारा था और जब उन्होंने गंगूबाई का रेप करने की कोशिश की थी। पर जैसे कि आप जानते हैं कि गंगूबाई टेरी गंगूबाई एक ऐसी गंगूबाई जो ना ही बुरा देखना चाहती थी और ना ही करना। गंगूबाई बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते आ रही हैं और उनके पावर से ही वो जानी जाती हैं क्वीन ऑफ काठियावाड़ी। गंगूबाई ने एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था अपनी स्पीच से। पीएम के साथ साथ उन्होंने ऑडियंस का भी दिल जीत लिया था जिन्होंने वुमेन एम्पायरमेंट और सेक्स वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए काफी लंबी और ताकतवर स्पीच रेडी की थी और कही थी। आज भी उनका स्टैच्यू काठियावाड़ के शहर में लगा हुआ है और वहाँ के लोग आज भी उनको काफी मानते हैं। आपके इसके ऊपर क्या व्यूज है और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी गंगूबाई काठियावाड़ी से, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मजेदार खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या डायरेक्टर बंसाली ने की है ऐसी फिल्म डायरेक्ट
क्या कहा फिल्म के राइटर ने डायरेक्टर के बारे में और क्यों मिलती थी आलिया भट्ट हुसैन जैदी से। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और खास वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, किसी भी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर की बॉन्डिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टर कहानी तभी अच्छे से पेश कर सकता है जब राइटर उसे बेहतरीन तरीके से स्टोरी को समझा पाए। इसलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और राइटर हुसैन जैदी की। दोस्तों SLB यानी कि संजय लीला भंसाली और हुसैन जैदी की मुलाकात तब हुई थी जब संजय लीला भंसाली एक ऐसी कहानी ढूंढ रहे थे जो उनकी हिट फिल्मों का हिस्सा बन सके। इसी दौरान जब SLB को पता चला कि जर्नलिस्ट रह चुके हुसैन जैदी ने मुंबई माफियाओं पर काफी ज्यादा रिसर्च किया है और उसके बारे में लिखते हैं, तो डायरेक्टर भंसाली ने इनसे मिलना चाहा। फिर सिर्फ एक मीटिंग के बाद ही संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी अपने फिल्म के लिए परफेक्ट लगी। वहीं डायरेक्टर भंसाली को एक ऐसी ही कहानी की तलाश थी जो उनकी अब तक की फिल्मों से हटकर हो। वैसे दोस्तों इनकी अब तक सारी हिट फिल्मों में अभी तक ऐसी कोई भी कहानी शामिल नहीं है, इसलिए दोस्तों डायरेक्टर भंसाली इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में जब राइटर हुसैन जैदी से फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संजय लीला भंसाली ने सिर्फ कहानी का प्लॉट सुनते ही हाँ कर दिया था। वहीं दोस्तों बता दूं कि सिर्फ भंसाली ही नहीं बल्कि फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी हुसैन जैदी से मिला करती थी गंगूबाई की कहानी को और जानने के लिए। अब अगर बात करें फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की स्टार कास्ट की, तो संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन बन रही इस फिल्म यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट, अजय देवगन, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पहावा, हुमा कुरैशी, इमरान हाशमी अहम किरदारों में नजर आएंगे। दोस्तों इस फिल्म को पहले अगले साल जनवरी में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी रिलीज पोस्टपोन हो गई है। फिल्म अगले साल फरवरी में रिलीज होगी। तो अब आप लोग बताइए कि क्या आप भी आलिया भट्ट की तरह ही इस फिल्म की कहानी को और अच्छे से जानना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनामिका गुप्ता। माधुरी किस फिल्म में बनी थी डॉन? क्या आलिया भट्ट को करनी पड़ी थी बहुत मेहनत? कैसे रह गई दीपिका माफिया बनते बनते? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, दिस इज प्राची योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों इन दिनों आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक हॉट टॉपिक बनी हुई है, पर इसलिए नहीं क्योंकि ये फिल्म RRR से टकराने वाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि आलिया भट्ट अपनी इस फिल्म में अपने किरदार को कैसे निभाती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जब से इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है लोग इसमें आलिया भट्ट को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। संजय लीला द्वारा बनाई गई इस फिल्म में आलिया के लुक और रोल को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने लेडी डॉन या कह लीजिए माफिया क्वीन का किरदार निभाया है वो काबिले तारीफ है। पर क्या आप जानते हैं, ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई लीडिंग एक्ट्रेस बॉलीवुड की ऐसा कोई डिफिकल्ट रोल कर रही है। इससे पहले भी विद्या बालन, सीमा विश्वास और यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस भी ऐसे खतरनाक रोल को निभा चुकी हैं। तो क्या आप ये बात जानते थे? अगर नहीं जानते तो चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड की हसीनाओं और उनके खतरनाक रोल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्या बालन से। 2017 में विद्या बालन की आई फिल्म बेगम जान में उन्होंने गदर का किरदार निभाया था, गदर यानी कि कोठे वाली का। फिल्म पार्टीशन पर बेस्ड थी जिसमें विद्या बालन एक काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में हमें नजर आई थी। उनका ये वैश्यालय बिल्कुल उस जगह था जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन खींची जानी थी जिसके लिए उसे हटाना था। और क्या आप जानते हैं, विद्या का किरदार खुद उस जलती हुई इमारत के सामने आकर उसमें जलती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट करती है। विद्या बालन ने अपने इस फिल्म में जिस तरह से अपने किरदार को निभाया वो काबिले तारीफ था। वही बात करें दीपिका पादुकोण की, तो वो विशाल भारद्वाज की फिल्म में सपना दीदी का एक रोल निभाने वाली थी जो इसी पेशे में थी, पर किसी कारणवश ये फिल्म नहीं बन पाई। पर ये कैरेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर श्रद्धा कपूर द्वारा निभाया गया हसीना परकार का रोल कौन ही भूल सकता है। इस फिल्म के लिए श्रद्धा ने अपने आप को काफी ट्रांसफॉर्म किया था। ये फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन पर एक बायोपिक बनी थी। उनका ये किरदार मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काफी स्ट्रॉन्गली सबके सामने आता है। इसमें हसीना के 17 इयर्स से लेकर 43 इयर्स तक के उनके सफर को दिखाया गया है और श्रद्धा ने इस रोल के लिए काफी मेहनत करी थी। उन्होंने अपना वेट तक गेन किया था अपने इस किरदार को निभाने के लिए। अगर कभी माफिया क्वीन या कह लीजिए स्ट्रॉन्ग लेडी की शुरुआत की बात की जाए तो फूलन देवी का नाम इसमें जरूर आता है। 1994 में आई फिल्म बंदित क्वीन में उनका किरदार सीमा विश्वास ने निभाया था और मानना पड़ेगा क्या खूबसूरती से उनका ये किरदार निभाया था, जिसके लिए
नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। उनकी शादी से लेकर क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने देखे थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने पुलिस को सरेंडर भी किया था, तो ये सब कुछ उस फिल्म में दिखाया गया है। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस सबाना आजमी ने भी 1999 में आई फिल्म गॉड मदर में एक ऐसा ही किरदार निभाया था जिसमें वो अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए डॉन का अवतार ले लेती हैं। पति के मौत के बाद कुछ गालियां लेती हैं जिसे देखकर उनकी उस पे पकड़ और एक्शन देखने को बनता है। ऐसे ही थोड़ी ना वो बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस मानी जाती है। 2004 में आई फिल्म एक हसीना थी में लीड एक्ट्रेस उर्मिला थी, लेकिन अगर हम कहें उनके अलावा एक और एक्ट्रेस थी जिन्होंने सारी लाइमलाइट ले ली थी, तो वो थी प्रतिमा काजमी। प्रमीला के रोल में आई प्रतिमा काफी खतरनाक और कंपैशनेट दिखाई देती हैं। वहीं हम बात करें बॉलीवुड की धक-धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित, तो उन्होंने भी ऐसा किरदार पहले निभाया है। जी हाँ, 2014 में आई फिल्म माधुरी दीक्षित की गुलाब गैंग में उन्होंने एक ऐसा ही किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म तो नहीं चली, पर उनके किरदार रज्जो को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। अब बात करें आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की, तो आपको बता दें इस लिस्ट में शामिल होने वाली आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस हैं जो इस लिस्ट में अभी तक शामिल हुई हैं। देश भर के परिवार से आने वाली आलिया और ब्रिटिश स्कूल से पढ़ने वाली आलिया भट्ट ने इस किरदार के लिए काफी मेहनत किया है। फिल्म के लिए प्रॉपर हिंदी, गुजराती और मराठी भाषा सीखनी थी, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार इस पर पकड़ भी पाली, और इसका साफ साफ असर टीजर पर भी दिखाई देता है। ये फिल्म 6 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में उनके अलावा अजय देवगन, शांतनु महेश्वरी, विजय राज जैसे कई अन्य फेमस लोग हमें दिखाई देने वाले हैं। अगर आप सोच रहे होंगे हमारी ये लिस्ट यही खत्म हो गई, तो जी नहीं, बॉलीवुड की ऐसी कई माफिया एक्ट्रेस के बारे में हम आपको बताएंगे पर हमारी आने वाली वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। कितने करोड़ में बिके हैं मूवी के डिजिटल राइट्स? कौन करने वाला है मूवी का म्यूजिक कंपोज? क्या अंकित बल्हारा ने पहले भी किया है डायरेक्टर भंसाली के साथ काम? हेलो दोस्तों, आजकल तो लोग इंतजार ही कर रहे होते कि कब उनकी पसंदीदा मूवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाए, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट की मोस्ट अवॉइडेड मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के डिजिटल रिलीज के बारे में। मूवी के पोस्ट रिलीज डिजिटल राइट्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 70 करोड़ रुपए में खरीदे है। हालांकि अभी इसको लेकर किसी भी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। मूवी की स्टार कास्ट और संजय लीला भंसाली की मूवी होने के कारण नेटफ्लिक्स ने मूवी के राइट्स को भारी रकम में खरीदा है। मूवी में शांतनु महेश्वरी, सीमा पहवा और विजय राज जैसे कलाकार भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही अजय देवगन और उमा कुरैशी अपने स्पेशल रोल को तड़का लगाते नजर आने वाले हैं। वैसे हर मूवी में म्यूजिक कंपोजर बहुत जरूरी होता है ना दर्शकों, क्योंकि उसके बिना मूवी बिल्कुल खामोश लगती है। इसलिए अगर बात करें इस मूवी के म्यूजिक कंपोजर की, तो वो है अंकित बल्हारा। इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया है, जिनमें पंगा, हलाई, हलाल, ट्यूसडे एंड फ्राइडे और कलंक जैसी फिल्में शामिल है। और ये पहली बार नहीं है कि अंकित डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले डायरेक्टर भंसाली की सुपरहिट मूवी पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में भी म्यूजिक कंपोज किया है। अब एक बार फिर अंकित डायरेक्टर भंसाली की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी में म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो आप इस मूवी के अलावा एसएस राजामौली की मूवी RRR में भी एक अहम रोल में नजर आने वाली है। इस मूवी में भी अजय देवगन का स्पेशल अपीयरेंस नजर आएगा। RRR 2022 की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। ये मूवी अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। इसके अलावा आलिया रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगी। आलिया के फैंस ने आखिरी बार सरक 2 में देखा था। सरक 2 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सरक 2 रिलीज हुई थी। तो आप लोग बताएं कि क्या अभी मूवी के डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे हैं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर। अपने घर जाना है। मैं लॉस
सा रोल हुआ था नवाजुद्दीन को ऑफर, क्या ऐसा रोल पहले भी निभा चुके हैं नवाजुद्दीन? किन फिल्मों में नजर आने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी? क्या आपको भी जानना है इन सभी सवालों के जवाब? तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि आपको इसी वीडियो में मिलेंगे आपके मन चाहे सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, आलिया भट्ट स्टारर संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी साल 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस बीच ये बात सामने आई है कि बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते थे अगर उन्होंने उनको मिले किरदार के लिए हामी भरी होती। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गंगूबाई काठियावाड़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार ऑफर हुआ था, हालांकि नवाजुद्दीन और फिल्म के मेकर्स के बीच बातचीत नहीं बनी और एक्टर ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कहा तो भी जा रहा था कि नवाजुद्दीन के पास वो तारीखें अवेलेबल नहीं थी जिनमें संजय लीला भंसाली उनके साथ शूटिंग करना चाहते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि नवाजुद्दीन को फिल्म में कौन सा रोल ऑफर किया गया था? गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में नवाजुद्दीन को एक पत्रकार की अहम भूमिका ऑफर की गई थी। नवाजुद्दीन और संजय लीला भंसाली दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया क्योंकि डेज की प्रॉब्लम सामने आ गई थी। वैसे अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये रोल निभाते तो इसमें कोई शक नहीं था कि नवाज इस किरदार को शानदार तरीके से पेश करते, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में पत्रकार की भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफें मिली थी। शायद इस रोल के कारण डायरेक्टर भंसाली ने उन्हें पत्रकार का रोल ऑफर भी किया होगा। अब ये फिल्म तो नवाज के साथ निकल गई, लेकिन उनके हाथों में अभी भी कई बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जोगीरा, सारा रारा, अद्भुत और हीरोपंती 2 शामिल है। वहीं संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट, अजय देवगन, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पहवा, हुमा कुरैशी, इमरान हाशमी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज इतने बार पोस्टपोन हो चुकी है कि अब लोग इंतजार भी कई गुना बढ़ा चुके हैं, लेकिन अब फिल्म को फरवरी में देखने की पक्की उम्मीद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म लोगों पर अपनी कैसी छाप छोड़ती है। तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही कुछ और नई फिल्मों की अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें अपना मन पसंदीदा चैनल। हुसैन के लिखने का मेन फोकस क्या है? उन्होंने अब तक कितनी बुक्स लिखी है माफियाओं पर? और आखिर गंगूबाई काठियावाड़ी उनकी किस बुक अडॉप्शन है? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, वैसे तो फिल्मों को आमतौर पर एक लेखक ही कहानी देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी किसी बॉलीवुड राइटर ने नहीं लिखी है, बल्कि दोस्तों इस फिल्म की कहानी को तैयार किया है एक वक्त के जर्नलिस्ट रह चुके एस हुसैन जैदी ने। वैसे तो इनको जर्नलिज्म के अलावा इनके लिखे गए नॉवेल्स के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों बता दूं कि हुसैन को इंडिया के सबसे प्रोलिफिक क्राइम राइटर के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने अब तक कई नॉवेल्स लिखे हैं जिसका फोकस हमेशा ही मुंबई माफियाओं पर होता है। डोंगी दुबई, सिक्स सिकेट्स ऑफ द मुंबई माफिया, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, माई नेम इज अबू सलीम एंड पाइकुला टू बैंकॉक जैसी कहानियां लिखने के लिए हुसैन जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों, इन कहानियों के नाम से ही समझ में आता है कि हुसैन ने गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी क्यों लिखी होगी। वैसे हुसैन ने जब अपना जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट किया था तब से ही मुंबई की माफियाओं पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था और उनके इस रिसर्च को बहुत से इंटरनेशनल ऑथर्स ने यूज भी किया, जैसे मिशा ग्लानी ने अपनी बुक एमसी माफिया में और विक्रम चंद्रा ने अपनी बुक सेक्रेट गेम्स में इनका रिसर्च यूज किया है। वहीं दोस्तों, फिल्म शाउट आउट एट वडाला हुसैन की कहानी डोंगरी टू दुबई सिक्स डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया का ही अडैप्शन है। अब इसके अलावा बॉलीवुड में और भी फिल्में हैं जिसे हुसैन की बुक से ही अडैप्ट किया गया है, जैसे फिल्म फैंटम इनकी बुक मुंबई एवेंजर्स से, फरहान अख्तर की आने वाली सीरीज डोंगरी टू दुबई भी इनकी बुक का ही अडैप्शन है और दोस्तों बॉबी देओल की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म क्लास ऑफ 83 भी इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन हुसैन भी अभी जो लेटेस्ट कहानी थिएटर में रिलीज होने वाली है वो गंगूबाई काठियावाड़ी है, जो कि इनकी बुक क्वींस ऑफ मुंबई की अडॉप्शन है। दोस्तों बता दूं कि इसकी कहानी पूरी गंगूबाई के इर्द गिर्द घूमती है, जिस किरदार को आलिया भट्ट निभाने वाली है। गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई के एक चर्चित कोठे वाली थी जिसे महज 500 रुपए के लिए उसके पति ने बेच दिया था। फिल्म में गंगूबाई के जीवन की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है कि कैसे छोटी से छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई और फिर कैसे वो अपने पति के हाथों ही कोठे पर जा बैठी थी। दोस्तों इस किरदार पर संजय लीला भंसाली काफी अरसे से फिल्म बनाना चाह रहे थे और दोस्तों फिल्म की रिलीज पोस्टपोन होने के बाद अब इस फिल्म को अगले साल फरवरी में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि क्या आपने कभी पढ़ी है हुसैन की कोई भी किताब? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
कौन है फ्लोरियन डीब्रा, किस लिए फेमस है फ्लोरियन, फिल्म मेकर्स ने क्यों किया फ्लोरियन को फिल्म में शामिल। हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर होस्ट पाला फ्रॉम बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले एंड आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिल्मों में भले ही कहानी मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई देती हो, लेकिन उस कहानी को देखने लायक वो छोटे छोटे रोल बना जाते हैं जिनका फिल्म में कुछ ज्यादा काम नहीं होता। इसलिए फिल्म हर कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट माना जाता है फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसलिए आज हम फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसे ही कैरेक्टर की बात करेंगे जिनका नाम है फ्लोरियन डीब्रा। फ्लोरियन डीब्रा को कई लोग जानते होंगे लेकिन उनकी फिल्मों में एक्टिंग के लिए नहीं। अरे कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि एक्टर को एक्टिंग के लिए नहीं तो किसके लिए जानते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि फ्लोरियन डीब्रा ने एक्टिंग तो बस हाल ही में शुरू की है, इससे पहले लोग उन्हें एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर जानते थे जो लोगों को सिखाते हैं कि ऑनलाइन कैसे सक्सेस पाया जाता है। इन्होंने बहुत छोटी ही उम्र में सोशल मीडिया नेटवर्किंग का काम शुरू कर दिया था जिसने आगे जाकर फ्लोरियन को एक बिजनेसमैन के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। फ्लोरियन आज कम से कम रोज 500 ऐसे क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं जिसमें बहुत से सेलिब्रिटीज भी शामिल होते हैं और इनका अपना खुद का अच्छा खासा नेटवर्क है जो इनको सुनने के लिए तैयार रहता है। शायद इनकी एक्टिंग के अलावा इनकी इतनी तगड़ी नेटवर्किंग भी एक कारण है कि फिल्म मेकर्स ने इनको अपनी फिल्म में शामिल कर लिया। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में फ्लोरियन डीब्रा एक ऐसा किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं जिसका नाम होगा केविन, जो फिल्म में एक पॉजिटिव रोल करते नजर आएंगे। फिल्म में इनका रोल ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा लेकिन इनके चाहने वालों के लिए इनको फिल्म में देखना वही बड़ी बात है। वैसे फ्लोरियन इस फिल्म के अलावा अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म अतरंगी रे में भी नजर आने वाले हैं। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट में लीड रोल में नजर आने वाली है। वहीं फिल्म की रिलीज इतने बार पोस्टपोन हो चुकी है कि अब लोग इंतजार करके भी कई गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन अब फिल्म को फरवरी में देखने की बात पक्की हुई है। फिल्म में अजय देवगन भी कैमियो रोल प्ले करते नजर आने वाले हैं। तो आप लोग हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, आप लोग फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिल्म में कौवा बिरयानी की एंट्री, क्या कहा विजय राज ने अपने रोल के बारे में, किन फिल्मों के लिए फेमस है विजय राज, कितने सालों बाद अजय देवगन और भंसाली आएंगे साथ नजर। हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर होस्ट पलक फ्रॉम बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो याद से कर दीजिएगा। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी अगले साल रिलीज होने वाली है जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी अपने दबंग स्टाइल के साथ। अब तक तो इस फिल्म में कई एक्टर्स का खुलासा हो चुका है लेकिन अभी तक भी कुछ एक्टर्स के पास सीक्रेट है जिसके बारे में पता नहीं चल पाया। उसमें से एक है विजय राज। जी हाँ, इस मूवी में मॉनसून वेडिंग फेम एक्टर विजय राज भी अहम रोल प्ले करते दिखाई देंगे। विजय को आखिरी बार आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल में देखा गया था। वहीं विजय राज से जब फिल्म के उनके रोल के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो गंगूबाई काठियावाड़ी नाम की एक फिल्म में SLB यानी कि संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हैं जिसमें वो एक छोटा सा रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि विजय राज फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से एक एक्टिव एक्टर के तौर पर छोटे मोटे रोल्स करते हुए शानदार तरीके से नजर आए हैं, उसका असर आने वाले समय में भी होगा। वहीं मॉनसून वेडिंग, धमाल, दिल्ली 6, रन, ड्रीम गर्ल, वेलकम और अनवर जैसी फिल्म इनके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे फिल्म रन में अपने उस कॉमेडी के जिससे लोगों कौवा बिरयानी नाम दिया। अब इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में कौवा बिरयानी की एंट्री हो चुकी है। वैसे सिर्फ कौवा बिरयानी ही नहीं इनकी फेमस कॉमेडी है बल्कि इन्होंने कई फिल्मों में अपनी कॉमेडी का तड़का दिया है। वैसे इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा अजय देवगन भी अहम रोल प्ले करते नजर आएंगे।
वहीं अजय और भंसाली ने पिछली बार साल 1999 में आई सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम में साथ काम किया था, जिसमें अजय देवगन और सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म के बाद अजय और भंसाली तकरीबन 20 साल बाद एक साथ काम करते नजर आएंगे। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग ही हमें बताइए इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? आप लोग कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। किसी भी फिल्म का म्यूजिक उसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट होता है और इसलिए मेकर्स उसे बड़े ही ध्यान से क्रिएट करते हैं। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में इसके म्यूजिक को हिट कराने का जिम्मा संजय लीला भंसाली ने खुद ही उठा लिया है, खुद ही इसको म्यूजिक दे रहे हैं। ये बात तो हर कोई अच्छे से जानता है, संजय लीला भंसाली फिल्म डायरेक्टर के साथ साथ कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई फिल्मों में म्यूजिक दी है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला और गुजारिश जैसी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दी है। डायरेक्टर भंसाली ने फिल्म गुजारिश से अपने म्यूजिक डायरेक्टर का करियर शुरू किया था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन मेन लीड रोल में थे। 100 ग्राम जिंदगी को संजय लीला भंसाली ने ही म्यूजिक दिया और इस गाने को गाया था कुणाल ने। उनका एक और गाना है जिसे उन्होंने म्यूजिक दिया है, वो है उड़ी तेरी आंखों से। वैसे ये गाने तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, ना ही ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया, पर इसके बाद जितने भी गाने संजय लीला भंसाली ने कंपोज किया है उन गानों ने कमाल दिखाया है। संजय लीला भंसाली अपने ही फिल्म रामलीला में मानो सारे गानों में जान भर दी हो और इस फिल्म का गाना लहू मुंह लग गया को उन्होंने गरबा बीट दिया था जो लोगों को बेहद पसंद आया था। इस गाने के लिरिसिस्ट थे सिद्धार्थ और गरिमा। इस फिल्म के बाकी गाने भी जैसे लाल इश्क, अंग लगा देने को भी संजय लीला भंसाली ने ही कंपोज किया है। इसके बाद डायरेक्टर भंसाली ने म्यूजिक दिया था इनकी एक और फिल्म को, बाजीराव मस्तानी को। इस फिल्म के भी सारे गाने हिट हुए थे, पर सबसे ऊपर था मल्हारी। इस म्यूजिक का जो एनर्जी लेवल था वो काफी ज्यादा हाई था, लोगों को डांस करने को मजबूर कर देता था। यहाँ तक कि लोग आज भी जब भी ये गाना सुनते हैं इस गाने पर डांस करने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं इसके अपोजिट फिल्म के गाने दीवानी मस्तानी को भंसाली सर ने बहुत ही पीसफुल म्यूजिक दिया था जिसको श्रेया घोषाल ने गाया था। अब बात रही गंगूबाई काठियावाड़ी की, तो अब तक इस फिल्म के गाने को लेकर कुछ बताया नहीं गया है, पर जो इस फिल्म का स्पेशल सॉन्ग रहेगा हो सकता है उसे भंसाली एक स्पेशल म्यूजिक के साथ लोगों के सामने पेश करें। बैकग्राउंड म्यूजिक को पीसफुल रखेंगे जैसा कि उन्होंने अपनी पिछले फिल्मों में भी किया है। और बात रही इस फिल्म के म्यूजिक की, तो हमें ये तो पता है कि भंसाली सर इस फिल्म के म्यूजिक को कंपोज कर रहे हैं, तो म्यूजिक में कोई कमी तो नहीं रहने वाली है। तो आप भी हमें बताएं भंसाली सर का म्यूजिक। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। हॉट बॉलीवुड माफिया क्वींस माधुरी किस फिल्म में बनी थी डॉन? क्या आलिया को करनी पड़ी थी बहुत मेहनत? दीपिका कैसे रह गई बनते बनते माफिया? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाय। दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि फिल्म RRR से क्लैश होने वाली है, इसके अलावा एक वजह यह भी है कि आलिया किस तरह का किरदार निभाती नजर आ रही है। जब से फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है हर जगह आलिया की तारीफें सुनने को मिली। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई इस फिल्म में आलिया के रोल और लुक को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिस तरह से उन्होंने एक लेडी डॉन या कह लीजिए माफिया क्वीन की भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा जब बॉलीवुड की कोई लीडिंग एक्ट्रेस सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह का मुश्किल रोल निभा रही है। इससे पहले विद्या बालन, सीमा विश्वास और यहां तक कि दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस भी ऐसे खतरनाक रोल्स निभा चुकी है। क्या आप ये भी जानते हैं? तो अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी है वो माफिया क्वींस जिन्होंने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। चलिए शुरुआत फिर विद्या बालन से कर लेते हैं। विद्या साल 2017 में आई फिल्म बेगम जान में एक कोठे वाली का रोल प्ले करती हैं। फिल्म पार्टीशन के समय पर बेस्ड थी।
जिसमें विद्या एक काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में थी। उनका ये वैश्यालय बिल्कुल उस जगह पर था जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची जानी थी, जिसके लिए उसे हटाना था। और क्या आप जानते हैं, विद्या का किरदार खुद सामने आकर उस जलती हुई इमारत में जलती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट करती है। विद्या ने जिस तरह ये किरदार निभाया वो काफी काबिले तारीफ था। वहीं बात अगर दीपिका पादुकोण की करें तो विशाल भारद्वाज की एक फिल्म आई थी सपना दीदी, नाम का रोल दीपिका का था। ये किरदार काफी स्ट्रॉन्ग था और दीपिका की इमेज बदलने लायक था। हालांकि किन्हीं कारणों से वो फिल्म नहीं बन पाई। फिर श्रद्धा कपूर द्वारा निभाया गया हसीना पारकर का किरदार जो था वो भुलाया नहीं जा सकता। वाकई उस रोल के लिए श्रद्धा ने खुद को काफी ट्रांसफॉर्म किया था। ये फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन पर बनी बायोपिक थी। उनका किरदार इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काफी स्ट्रांगली सामने आता है, जिसमें हसीना की 17 साल की उम्र से लेकर 43 साल की उम्र तक का सफर दिखाया गया। वेट गेन से लेकर भारी भारी प्रोस्थेटिक्स और फिर श्रद्धा कपूर की मेहनत साफ नजर आती है। अगर कभी माफिया क्वीन या कह लीजिए स्ट्रॉन्ग लेडीज की शुरुआत की बात हो जाए तो फूलन देवी का नाम इसमें जरूर आता है। 1994 में आई फिल्म बंटेड क्वीन में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जिसमें कि वो नजर आई थी और तभी से शुरुआत हो चली थी ऐसे माफिया क्वीन की। बहुत ज्यादा पसंद किया गया और बॉलीवुड की वर्सटाइल एक्ट्रेस हमें सामने से मिली जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई। अगर बात गंगूबाई काठियावाड़ी की करें तो इस लिस्ट में शामिल होने वाली सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया। महेश भट्ट के परिवार से आने वाली और ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाली आलिया को इस किरदार के लिए प्रॉपर हिंदी, गुजराती और कुछ मराठी भाषा भी सीखनी पड़ी थी, जिस पर उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। आखिरकार उस पर उन्होंने पकड़ बनाई। उसका साफ साफ असर टीजर में देखने को मिला। हालांकि कई जगह आलिया को देखकर काफी फीकरपन भी लगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि आलिया तो बच्ची सी लगती है। 6 जनवरी 2022 को पता चलेगा कि आलिया बच्ची सी है या उन्होंने वाकई पर्दा फाड़ के रख देना है। फिल्म में आपको अजय देवगन भी दिखेंगे, शांतनु माहेश्वरी होंगे, सीमा फवा होगी और विजय राज जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि लिस्ट खत्म हो चुकी है तो बॉलीवुड में आने वाले टाइम में भी ऐसी बहुत सारी माफिया क्वींस की फिल्म आने वाली है। आपको कितना इंटरेस्ट है इन फिल्मों में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी क्या कभी नहीं थम सकेगा RRR और गंगूबाई का क्लैश? क्या खास है गंगूबाई की रिलीज डेट में? आखिर क्या है इस रिलीज डेट का आलिया से नाता? दोस्तों, फिल्म ट्रेड में इस समय काफी टेंशन का माहौल है, हो भी क्यों ना। इस समय की सबसे बड़ी दो फिल्में RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी जो आपस में भिड़ने वाली है। खासियत तो ये है कि दोनों ही फिल्मों में आलिया भट्ट लीड रोल्स में है। एक तरफ RRR में जहाँ वो साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है, तो वहीं गंगूबाई में वो अब तक के सबसे अलग रोल में दिखेंगी। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी 6 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज होनी है, जबकि SS राजामौली की RRR हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में 7 जनवरी को रिलीज की जाएगी। दोस्तों, पूरे इंडिया भर में राजामौली और संजय भंसाली अपनी एपिक ड्रामा बेस्ड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि राजामौली ने तो ये तक भी बताया हुआ है कि वो संजय लीला भंसाली के बड़े फैन है। एक ऐसे समय में जहाँ काफी समय बाद थिएटर खुल रहे हैं और फिल्में धीरे धीरे रिलीज हो रही है, ऐसे में इतना बड़ा क्लैश लोगों के मन में उतर नहीं रहा। फिर बड़ी बात ये भी है कि दोनों फिल्मों में आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स हैं। इस होने वाले क्लैश के बारे में भंसाली ने कहा था कि हमने अपनी मूवी की रिलीज डेट काफी समय पहले ही अनाउंस कर दी थी, जबकि राजामौली का मानना है कि दोनों ही फिल्में काफी अलग है और एक साथ अलग अलग हफ्तों में रिलीज की जा सकती है। दोस्तों, इस बात से कोई शक नहीं है कि इस कोविड वाले समय में जब फिल्में बनाना तक बंद हो गई थी, अब जाकर फिल्में रिलीज हो रही है, जिससे ट्रेड बिजनेस को काफी फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली के लिए अपनी मूवी को आगे खिसकाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मूवी 6 जनवरी को रिलीज हो रही है, जो भंसाली का लकी नंबर भी है। जी हाँ, भंसाली ही नहीं बल्कि आलिया भट्ट भी 6 को अपना लकी नंबर मानती है। भंसाली का बर्थडे 24 फरवरी को आता है, जिसे जोड़कर 6 बनता है। ऐसे ही आलिया का जन्मदिन 15 मार्च को आता है, यानी कि एक बार फिर 6, जिसका मतलब है कि भंसाली तो किसी भी हालात में अपनी डेट को आगे नहीं खिसकाएंगे। जबकि राजामौली के लिए भी अब भी टाइम है कि वो इस जिद को छोड़कर अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दे, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है मूवी को रिलीज करने के लिए।
इसके अलावा उन्हें मूवी को लेकर बहुत टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो सोलो रिलीज भी इंजॉय कर सकते हैं। जबकि क्लैश में तो उनके नुकसान होने के ज्यादा चांसेस है। अब भाई भंसाली की फिल्मों को लेकर जो क्रेज नॉर्थ इंडिया में होता है, वैसा शायद ही किसी और मूवी मेकर के लिए किसी और इंडस्ट्री में होगा। बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बनी कहानी है, जिसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। मूवी में आलिया लीड रोल में है, जो मुंबई के एक वैश्य समाज की लीडर है, और मूवी में उनकी कहानी देखने मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि आलिया ने उस तरह की बोली पर पकड़ पाने के लिए काफी पावर मिले थे, क्योंकि उनका एक्सेंट काफी अलग है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई और जो साफ साफ टीजर में भी देखा जा सकता है। ठीक है, साउथ की अपनी पहली मूवी से लेकर हॉलीवुड डेब्यू तक वो हर तरह से चर्चा में है। और फिर उनके और रणबीर कपूर के रिश्ते का क्या कहना, और कौन ही भूल सकता है इनके रिश्ते को। खैर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड तक ही ठहरते हैं और बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और आलिया भट्ट के लीड रोल वाली इस मूवी का पहला टीजर 24 फरवरी को रिलीज किया गया था। जी हाँ, आज से 9 महीने पहले टीजर लॉन्च के बाद ये मूवी लगातार चर्चा में बनी हुई है। टीजर देखने के बाद लोगों का सवाल था कि आखिर आलिया भट्ट ही क्यों। संजय की ये मूवी हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई एक बुक क्वींस ऑफ मुंबई स्टोरीज ऑफ वुमेन फ्रॉम द गैंगलैंड चैप्टर गंगूबाई काठियावाड़ी से काफी हद तक इंस्पायर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये गंगूबाई है कौन। अगर हुसैन की इस बुक के अकॉर्डिंग जाया जाए तो गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ी की रहने वाली है। जी हाँ, इसी वजह से उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी कहा जाता है, जबकि उनके असली नाम गंगा हरी जी बनकर काठियावाड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगूबाई 16 साल की उम्र में अपने पिता के अकाउंटेंट के साथ भाग गई। भाग कर वो दोनों मुंबई आए थे, लेकिन हैरानी को तब होती है जब उनके पति ने उन्हें वैश्य वृत्ति करने के लिए कोठे पर 500 रुपए में बेच दिया था। बस फिर क्या था, काठियावाड़ी में आलिया नहीं करने वाली डांस सीमा पवा ने क्यों बदला ट्रैक, और हर एक्टर को क्यों मिलना चाहिए भंसाली का साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं सोनी कजार। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म होने वाली है गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म को लेकर हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, कोई ना कोई टैलेंटेड एक्टर इससे जुड़ता ही रहता है। और आखिर ऐसा क्यों हो भी ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, और भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसे कहा जा सकता है। आपको बताते हैं, दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल, सावधान और सूरज पे मंगल भारी फिल्मों में एक्टिंग करने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस सीमा पाहवा ने ट्रैक बदल दिया है। कैसी, चलिए आपको बताते हैं। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी में सीमा ने एक ऐसी भूमिका चुनी है जो उन्होंने अब से पहले कभी करी ही नहीं है। साल 1984 में आई दूरदर्शन सीरीज हम लोग में पहली बार नेशनल पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की थी। इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है फिल्म में अपने कैरेक्टर को रिवील ना करते हुए उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भंसाली ने इस रोल के लिए उनके बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस तरह के कैरेक्टर उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी में निभाया, ना ही ऐसे रोल के प्रति उनका कभी झुका
झुकाव रहा। इस स्पेशल रोल में केवल भंसाली जैसे विजनरी ही उनके बारे में सोच सकते हैं। सीमा जी का भंसाली की फिल्मों के बारे में कहना है कि हर एक्टर जो एक्टिंग को इम्पोर्टेंस देता है उन्हें कम से कम एक बार संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहिए। उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेंस किसी भी डायरेक्टर से किए गए काम से ज्यादा मंझा हुआ है। डायरेक्टर के रूप में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो एक परफेक्शनिस्ट है। वो हर एक्टर और टेक्नीशियन में सबसे बेस्ट ढूंढ ही लेते हैं। जब भंसाली ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन उन्हें तब ये अंदाजा नहीं था कि एक्सपीरियंस कितना फायदेमंद होने वाला है। अब जबकि उन्होंने उनके साथ एक बार काम कर लिया है तो वो उनके साथ दोबारा काम करने के लिए और ज्यादा इंतजार कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि भंसाली उन्हें दूसरी फिल्म में जरूर कास्ट करेंगे। वहीं फिल्म के बारे में बात करते हुए आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की एक झलक और टीजर आने के बाद फैंस इसे लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं और आलिया ने अपने अभी सीन की शूटिंग लगभग खत्म कर ली है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भंसाली के प्रोजेक्ट को लेकर सामने आया है कि आलिया इस फिल्म में किसी भी तरह का डांस नंबर नहीं करने वाली है। इस फिल्म में सिर्फ एक डांस नंबर होगा जिसमें हुमा कुरैशी नजर आएगी। बाकी के सभी गाने म्यूजिक के रूप में फिल्म में अलग अलग सिचुएशन में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आपको सुनाई देंगे। आलिया के डांस न करने के पीछे वजह ये है कि एक्ट्रेस का किरदार कुछ ऐसा है कि उस पर डांस करना सूट नहीं करता, इसीलिए निर्माताओं और निर्देशकों ने ये फैसला लिया। अब देखना होगा कि आलिया भट्ट इस फिल्म से कितना बड़ा तहलका मचाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। फिल्म चलाने के लिए भंसाली ने चली कौन सी चाल? फिल्म में किसकी हुई न्यू एंट्री? क्या फिल्म में होगी दो एक्ट्रेसेस? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर हिट एंड सुपर क्यूट हीरोइन आलिया भट्ट के आने वाले बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली रिलीज होने वाली फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसकी शूटिंग काफी समय से चल रही है। फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली ने काफी कुछ पिछले साल ही शुरू कर दिया था। उनकी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अब हुमा कुरैशी भी नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये गर्मा गर्म एंट्री का राज। दोस्तों, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कलाकार की इच्छा होती है कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करे, फिर चाहे रोल कैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हुमा कुरैशी के साथ भी हुआ। जब हुमा कुरैशी को संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी में एक स्पेशल सॉन्ग और डांस नंबर के लिए कहा तो उन्होंने इसे करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। भंसाली अपनी फिल्मों की हर एक चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ऐसे डांसर चाहते थे जो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से ही गाने में जान डाल दे। ऐसे में उनको हुमा कुरैशी का नाम सूझा। वही हुमा के लिए ये एक बड़ा ब्रेक साबित होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म रामलीला में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक लोकप्रिय डांस नंबर किया था। जी हाँ, वही गाना, राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में तुम्हें। बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने ये गाना सुना भी है और देखा भी है। हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी, पर इस गाने के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस को फिल्म के हिट होने का क्रेडिट दिया गया था। प्रियंका का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वक्त प्रियंका का करियर ग्राफ थोड़ा थन चल रहा था, मगर इस गाने के रिलीज के बाद उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाई मिल गई। हो सकता है ये ब्रेक हुमा के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप हुमा के फैन हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है? या दोस्तों, आपको बता दें कि हुमा फिल्म में मुजरा नहीं कर रही, ये एक भड़कीला आइटम नंबर है। वैसे तो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन इंडस्ट्री, सभी में आइटम नंबर्स का बोलबाला रहता ही है। फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे चलाने के लिए फिल्म मेकर्स हर फिल्म में आइटम नंबर्स को रखते ही है और इस यूएसपी को भंसाली अपने हर फिल्म में डालने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में आइटम नंबर्स करने के लिए खास तौर पर एक्ट्रेस या मॉडल्स अलग से होती थी, जो केवल फिल्मों में आइटम गाने को परफॉर्म करने के लिए ही होती थी।
लेकिन इस चलन को बॉलीवुड की ही टॉप एक्ट्रेस ने तोड़ा है। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्मों में आइटम नंबर्स परफॉर्म किया है और अब भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए हुमा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में और वेब सीरीज से खूब नाम कमाया है। दर्शकों को हुमा की एक्टिंग और उनका ग्लैमरस अंदाज हर बार काफी पसंद आता है। हुमा ने अपनी फिल्मों में ना केवल जबरदस्त एक्टिंग बल्कि ढेरों डांस भी किए हैं। उनकी फिल्मों के कई गाने ऐसे हैं जो आज भी खूब सुने जाते हैं। हुमा कुरैशी के शानदार परफॉर्मेंस के वीडियोज यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिलता है और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। इसीलिए तो भंसाली ने हुमा को ये ऑफर देने का सोचा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले इस आइटम सॉन्ग में उनका शानदार परफॉर्मेंस और ग्लैमर अंदाज हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो हुमा की डांसिंग स्किल्स स्क्रीन पर हंगामा क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं जानी जाती है, लेकिन जब कमान भंसाली के पास में हो तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी मुंबई की लेडी माफिया डॉन गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर आधारित है जिस किरदार को फिल्म में आलिया ने निभाया है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो भी नजर आएगा, वो फिल्म में आलिया के मेंटर का रोल निभाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली मास्टरपीस गंगूबाई काठियावाड़ी में बॉलीवुड की सुपर क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और सुपर ग्लैमरस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के आइटम नंबर के लिए? ये आप हमें नीचे से कमेंट बॉक्स से उसमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म के मेन रोल में हमें कौन नजर आने वाला है? ये फिल्म किसकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? ये फिल्म ऑडियंस तक कब तक पहुँच पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके चर्चे उसके रिलीज से पहले ही काफी हो रहे हैं और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज हम बात करेंगे एक बायोग्राफिकल फिल्म की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड और जयंती लाल गड़ा और संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम डेटा फिल्म है जिसमें हमें मेन लीड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट एज अ गंगूबाई काठियावाड़ी नजर आई थी। इस फिल्म से पहली बार बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं टेलीविजन के मशहूर स्टार शांतनु महेश्वरी, जिन्होंने लोगों को कई शोज जैसे दिल दोस्ती डांस और ये है आशिकी जैसी मूवीज से सबका दिल जीता। वो यहाँ हमें गंगूबाई के हस्बैंड रामनिक लाल के रोल में नजर आने वाले हैं। दोस्तों ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ऑन द बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई जिसके ऑथर हैं एस हुसैन जैदी, जहां ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल लड़की से जो काठियावाड़ से बिलोंग करती है और जहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो पूरी जिंदगी में चल रहे सारे उतार चढ़ाव को अपना ले। एक ऐसी स्टोरी आए जहां गंगा के लाचार होने से तो शुरू होती है मगर एंड होती है जहां वो पूरी कमाथीपुरा यानी उस रेड लाइट एरिया को कैप्चर करते हुए वहां की रानी बन जाती है। दोस्तों हालांकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई 2021 को, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग को ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मार्च 2020 में रोक दिया गया था और तब तक फिल्म की 70% शूटिंग ही कम्प्लीट हो सकी थी। फिर जब कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो इस फिल्म को रिज्यूम किया गया ऑन अक्टूबर 2020 एंड रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों एक्टर अजय देवगन जो कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं उन्होंने फरवरी 2021 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है। इतना ही नहीं इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रही ऑडियंस इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बायोपिक एक्टिंग देखने को एक्साइटेड है। अब उम्मीद है कि ये मूवी जल्द से जल्द आए और सभी को एंटरटेन करे। जानिए कैसा था मुंबई अंडरवर्ल्ड के इन माफिया क्वींस का राज, गंगूबाई के साथ अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी आखिर क्या थी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों बात करते हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी एक रियल लाइफ बेस्ड बायोपिक होने वाली है और आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली कुछ डेयरिंग क्वींस के बारे में जिनके रियल लाइफ स्टोरी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उस टाइम के फेमस क्राइम रिपोर्टर और राइटर हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उन सभी क्वींस का जिक्र है जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी थी। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी हुसैन जैदी की इस किताब से ही इंस्पायर्ड है। जुर्म की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली ही कुछ ऐसी ही माफिया क्वींस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहला है जैनबाई दारूवाला। जैनब अका जैनबाई दारूवाला देश की सबसे पहली लेडी डॉन मानी जाती थी और दोस्तों मुंबई के डोंगरी इलाके में दारू का धंधा करने वाली इस माफिया क्वीन के एक एक शब्द हाजी मस्तान और दाऊद जैसे गैंगस्टर्स के लिए भी पत्थर की लकीर हुआ करते थे। दोस्तों जैनबाई ने शराब के धंधे से लेकर चावल की ब्लैक मार्केटिंग तक का काम किया है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जैनबाई के बेटे का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उसने अपने सभी धंधे बंद कर दिए। दोस्तों जैनबाई को जानने वाले बताते हैं कि 1993 में मुंबई में हुए धमाकों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई और वह बीमार रहने लगी। धमाकों के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। दोस्तों दूसरी है करीमा मुजीब शाह। दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीमा मुजीब शाह को आपा के नाम से बुलाया जाता है। आपा का सिक्का यानी कि दबदबा आज भी मुंबई के घाटक कोपर इलाके में चलता है। करीमा इल्लीगली झुग्गी बनाने का काम करते करते महज 6 साल में माफिया क्वीन बन गई थी और उनके गैंग में 50 मेंबर थे। पांचवी पास करीमा का पति स्क्रैप डीलर था और उसने खुद करियर की शुरुआत इल्लीगल तरीके से झुग्गिया बनाकर कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद से इसका इन्फ्लुएंस और दुश्मन दोनों बढ़ने लगे और दोस्तों प्रोडक्शन के लिए उसने अपने पास रैकेट में पहले मेंबर सबाबू पानीकर को शामिल किया। दोस्तों ताजुब की बात है कि इसके कुछ ही दिन पहले पुलिस ने करीमा को अरेस्ट किया था। दोस्तों तीसरी है रेशमा मेमन और शबाना मेमन। दोस्तों 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे फेमस नामों की लिस्ट में रेशमा और शबाना मेमन का नाम भी शुमार है। ये दोनों दौर की सबसे खतरनाक माफिया क्वींस मानी जाती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1993 के मुंबई ब्लास्ट में सिर्फ दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ नहीं था। माना जाता है कि पूरी देश को दहला देने वाले इस कांड में टाइगर की बीवी रेशमा मेमन और उसकी साली शबाना मेमन ने भी उनका साथ दिया था। ब्लास्ट से पहले ये दोनों देश से बाहर गए थे और कहा जाता है कि ये दोनों आज भी कराची में आराम की जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों ये थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ फेमस नाम, इन्हीं में से एक गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी जिनकी बायोपिक जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कैरेक्टर गंगूबाई को लेकर क्यों इमोशनल हुई है आलिया भट्ट? क्या डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक बार फिर फंस सकते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसी ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म होने वाली है और बॉलीवुड में इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। अजय देवगन भी उनके साथ एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगी। और ये फिल्म दोस्तों मुंबई की फेमस लेडी गंगूबाई काठियावाड़ी की ही एक बायोपिक रहने वाली है। दोस्तों यूँ तो कभी न कभी डर के मारे हम सब की नींद उड़ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है जिसने उड़ा के रख दी है बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की नींद? जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आलिया भट्ट आज के दौर में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है जिसने उनको भी हिलाकर रख दिया है। तो बता दें कि जब से आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग का रैप अप किया है, तभी से उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आखिर क्या बीती होगी गंगा नाम की उस भोली भाली लड़की के दिल पर, जब उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया पलटते हुए देखी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अपने दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया बताती हैं कि वो बचपन से ही बेहद इमोशनल हैं और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग के दौरान वो कई बार रोई थी। गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए आलिया ने गंगूबाई की पूरी लाइफ को काफी क्लोजली एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से उनके दिल में गंगूबाई के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। और दोस्तों उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
मैं गंगू से बेहद प्यार करने लगी हूँ। उसकी जिंदगी बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही और मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब मैंने उनका रोल निभाया था। खैर दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर क्या है ऐसा जो एक बार फिर बढ़ा सकता है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मुश्किलों को। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि गंगूबाई गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाम है और ऐसे कैरेक्टर्स पर बायोपिक बनाना भी कम जोखिम का काम नहीं है। रिसेंटली ही जब एक मराठी रीजनल ग्रुप ने भंसाली को ये वार्निंग दी थी कि फिल्म में गंगूबाई की लाइफ का कोई भी हिस्सा फिक्शनल नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों ये साफ हो गया कि पद्मावती की तरह इस बार भी भंसाली किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। कब और कैसे ये तो अब वक्त ही बताएगा। वही दोस्तों, आपका क्या कहना है गंगूबाई की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इमोशन टर्न आउट के बारे में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगू रहती है। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के पाप से नहीं डरने का। गंगू जान थी और जान ही रहेगी। आखिर क्या रहा एसआरके का रिएक्शन मूवी गंगूबाई को लेकर? क्या पोस्ट करा अक्षय कुमार ने गंगूबाई के लिए और किसके बारे में करा शाहिद कपूर ने कमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों बॉलीवुड में जब भी कोई नई मूवी आती है तो सभी दूसरे सितारे उस मूवी में और उसकी मेकिंग की गपशपों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है जिसके बारे में वो खुलकर अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में बता देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सितारों का रिएक्शन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी गंगूबाई को लेकर बताएंगे। एक क्विक रनडाउन देने के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि मूवी गंगूबाई को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, अंश में स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, अजय देवगन, इमरान हाशमी और काफी दूसरे एक्टर्स। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है तो इस मूवी के एक फर्स्ट लुक एंड रिलीज डेट आउट होने पर दिया कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पॉजिटिव रिएक्शन। नेहा धूपिया, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे कई बड़े स्टार्स ने किया आलिया को कंग्रेचुलेट। साथ ही साथ सभी ने आलिया के एक्टिंग स्किल्स को भी प्रेज करा है और लिखा है कि वो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली कर रही है। शाहरुख खान, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव यू जिंदगी में काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क एज एन एक्टर लिटिल वन। ये एज सीनियर एक्टर उनका अपने जूनियर एक्टर के प्रति एक छोटा सा एनकरेजमेंट है। दोस्तों गंगूबाई को लेकर बाहुबली के मेकर एसएस राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कि दोस्तों वो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखकर खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस जरूर ही गजब की होने वाली है। दोस्तों अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिस दिन गंगूबाई मूवी का टाइटल सुना था उस दिन से ही मूवी के एक फैन बन गए थे। उन्हें तो टीजर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है एंड उसमें आलिया के प्रेजेंस भी। वो संजय लीला भंसाली के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। रणवीर सिंह ने भी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, गंगू तू चांद है, चांद ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के फर्स्ट लुक की तारीफ भी करी है। शाहिद कपूर ने भी कमेंट करके आलिया के लिए बोला, गुंडी तो हमेशा से ही थी, अब डॉन बन गई है, लविंग इट, जो कि काफी क्यूट लगा फैंस को। और दोस्तों बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस मूवी हॉट बॉलीवुड माफिया क्वींस माधुरी किस फिल्म में बनी थी डॉन? क्या आलिया को करनी पड़ी थी बहुत मेहनत? दीपिका कैसे रह गई बनते बनते माफिया? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाय। दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है और सिर्फ इस वजह से नहीं कि फिल्म RRR से क्लैश होने वाली है, इसके अलावा एक वजह यह भी है कि आलिया किस तरह का किरदार निभाती नजर आ रही है। जब से फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ
हुआ है। हर जगह आलिया की तारीफें सुनने को मिली। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई इस फिल्म में आलिया के रोल और लुक को काफी ज्यादा पसंद किया गया। जिस तरह से उन्होंने एक लेडी डॉन या कह लीजिए माफिया क्वीन की भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा जब बॉलीवुड की कोई लीडिंग एक्ट्रेस सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह का मुश्किल रोल निभा रही है। इससे पहले विद्या बालन, सीमा विश्वास और यहाँ तक कि दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस भी ऐसे खतरनाक रोल्स निभा चुकी है। क्या आप ये भी जानते हैं? तो अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी है वो माफिया कोई जिन्होंने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। चलिए शुरुआत फिर विद्या बालन से कर लेते हैं। विद्या साल 2017 में आई फिल्म बेगम जान में एक कोठे वाली का रोल प्ले करती हैं। फिल्म पार्टीशन के समय पर बेस्ड थी जिसमें विद्या एक काफी स्ट्रांग कैरेक्टर में थी। उनका ये वैश्यालय बिल्कुल उस जगह पर था जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची जानी थी जिसके लिए उसे हटाना था। और क्या आप जानते हैं विद्या का किरदार खुद सामने आकर उस जलती हुई इमारत में जलती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट करती है। विद्या ने जिस तरह ये किरदार निभाया वो काफी काबिले तारीफ था। वहीं बात अगर दीपिका पादुकोण की करें तो विशाल भारद्वाज की एक फिल्म आई थी सपना दीदी नाम का रोल दीपिका का था। ये किरदार काफी स्ट्रांग था और दीपिका की इमेज बदलने लायक था। हालांकि किन्हीं कारणों से वो फिल्म नहीं बन पाई। फिर श्रद्धा कपूर द्वारा निभाया गया हसीना पारकर का किरदार जो था वो भुलाया नहीं जा सकता। वाकई उस रोल के लिए श्रद्धा ने खुद को काफी ट्रांसफॉर्म किया था। ये फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन पर बनी बायोपिक थी। उनका किरदार इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काफी स्ट्रांगली सामने आता है जिसमें हसीना की 17 साल की उम्र से लेकर 43 साल की उम्र तक का सफर दिखाया गया। वेट गेन से लेकर भारी भारी प्रोस्थेटिक्स और फिर श्रद्धा कपूर की मेहनत साफ नजर आती है। अगर कभी माफिया क्वीन या कह लीजिए स्ट्रांग लेडीज की शुरुआत की बात हो जाए तो फूलन देवी का नाम इसमें जरूर आता है। 1994 में आई फिल्म बंटित क्वीन में इनका बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर था जिसमें कि वो नजर आई थी और तभी से शुरुआत हो चली थी ऐसे माफिया क्वीन की। बहुत ज्यादा पसंद किया गया और बॉलीवुड की वर्सटाइल एक्ट्रेस हमें सामने से मिली जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई। अगर बात गंगूबाई काठियावाड़ी की करें तो इस लिस्ट में शामिल होने वाली सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया। महेश भट्ट के परिवार से आने वाली और ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाली आलिया को इस किरदार के लिए प्रॉपर हिंदी, गुजराती और कुछ मराठी भाषा भी सीखनी पड़ी थी जिस पर उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। आखिरकार उस पर उन्होंने पकड़ बनाई। उसका साफ साफ असर टीजर में देखने को मिला। हालांकि कई जगह आलिया को देखकर काफी फीकरपन भी लगा क्योंकि लोगों ने कहा कि आलिया तो बच्ची सी लगती है। 6 जनवरी 2022 को पता चलेगा कि आलिया बच्ची सी है या उन्होंने वाकई पर्दा फाड़ के रख देना है। फिल्म में आपको अजय देवगन भी दिखेंगे, शांतनु माहेश्वरी होंगे, सीमा फवा होगी और विजय राज जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि रिलीज खत्म हो चुकी है तो बॉलीवुड में आने वाले टाइम में भी ऐसी बहुत सारी माफिया क्वींस की फिल्म आने वाली है। आपको कितना इंटरेस्ट है इन फिल्मों में नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी क्या कभी नहीं थम सकेगा RRR और गंगूबाई का क्लैश? क्या खास है गंगूबाई की रिलीज डेट में? आखिर क्या है इस रिलीज डेट का आलिया से नाता? दोस्तों फिल्म ट्रेड में इस समय काफी टेंशन का माहौल है, हो भी क्यों ना। इस समय की सबसे बड़ी दो फिल्में RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी जो आपस में भिड़ने वाली है। खासियत तो ये है कि दोनों ही फिल्मों में आलिया भट्ट लीड रोल्स में है। एक तरफ RRR में जहाँ वो साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है तो वहीं गंगूबाई में वो अब तक के सबसे अलग रोल में दिखेंगी। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी 6 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज होनी है जबकि SS राजामौली की RRR हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में 7 जनवरी को रिलीज की जाएगी। दोस्तों पूरे इंडिया भर में राजामौली और संजय भंसाली अपनी एपिक ड्रामा बेस्ड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि राजामौली ने तो ये तक भी बताया हुआ है कि वो संजय लीला भंसाली के बड़े फैन है। एक ऐसे समय में जहाँ काफी समय बाद थिएटर खुल रहे हैं और फिल्में धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं, ऐसे में इतना बड़ा क्लैश लोगों के मन में उतर नहीं रहा। फिर बड़ी बात ये भी है कि दोनों फिल्मों में आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स हैं। इस होने वाले क्लैश के बारे में भंसाली ने कहा था कि हमने अपनी मूवी की रिलीज डेट काफी समय पहले ही अनाउंस कर दी थी, जबकि राजामौली का मानना है कि दोनों ही फिल्में काफी अलग है और एक साथ अलग अलग हफ्तों में रिलीज की जा सकती है। दोस्तों इस बात से कोई शक नहीं है कि इस कोविड वाले समय में जब फिल्में बनाना तक बंद हो गई थी अब जाकर फिल्में रिलीज हो रही है,
एक्ट्रेस से ट्रेड बिजनेस को काफी फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली के लिए अपनी मूवी को आगे खिसकाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मूवी 6 जनवरी को रिलीज हो रही है, जो भंसाली का लकी नंबर भी है। जी हाँ, भंसाली ही नहीं बल्कि आलिया भट्ट भी 6 को अपना लकी नंबर मानती है। भंसाली का बर्थडे 24 फरवरी को आता है, जिसे जोड़कर 6 बनता है। ऐसे ही आलिया का जन्मदिन 15 मार्च को आता है, यानी कि एक बार फिर 6, जिसका मतलब है कि भंसाली तो किसी भी हालात में अपनी डेट को आगे नहीं खिसकाएंगे। जबकि राजा मौली के लिए भी अब भी टाइम है कि वो इस ट्रिप को छोड़कर अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दे, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है मूवी को रिलीज करने के लिए। इसके अलावा उन्हें मूवी को लेकर बहुत टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो सोलो रिलीज भी एंजॉय कर सकते हैं। जबकि क्लैश में तो उनके नुकसान होने के ज्यादा चांसेस है। अब भाई भंसाली की फिल्मों को लेकर जो क्रेज नॉर्थ इंडिया में होता है, वैसा शायद ही किसी और मूवी मेकर के लिए किसी और इंडस्ट्री में होगा। बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बनी कहानी है, जिसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। मूवी में आलिया लीड रोल में है, जो मुंबई के एक वैश्य समाज की लीडर है, और मूवी में उनकी कहानी देखने मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि आलिया ने उस तरह की बोली पर पकड़ पाने के लिए काफी पावर मिले थे, क्योंकि उनका एक्सेंट काफी अलग है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई, और जो साफ साफ टीजर में भी देखा जा सकता है। ठीक है, साउथ की अपनी पहली मूवी से लेकर हॉलीवुड डेब्यू तक वो हर तरह से चर्चा में है, और फिर उनके और रणबीर कपूर के रिश्ते का क्या कहना, और कौन ही भूल सकता है इनके रिश्ते को। खैर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड तक ही ठहरते हैं और बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और आलिया भट्ट के लीड रोल वाली इस मूवी का पहला टीजर 24 फरवरी को रिलीज किया गया था। जी हाँ, आज से 9 महीने पहले टीजर लॉन्च के बाद ये मूवी लगातार चर्चा में बनी हुई है। टीजर देखने के बाद लोगों का सवाल था कि आखिर आलिया भट्ट ही क्यों। संजय की ये मूवी हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई एक बुक क्वींस ऑफ मुंबई स्टोरीज ऑफ वुमेन फ्रॉम द गैंगलैंड चैप्टर गंगूबाई कोठेवाली से काफी हद तक इंस्पायर्ड है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये गंगूबाई है कौन। अगर हुसैन की इस बुक के अकॉर्डिंग जाया जाए तो गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली है। जी हाँ, इसी वजह से उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी कहा जाता है, जबकि उनके असली नाम गंगा हरी जी बनकर काठियावाड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगूबाई 16 साल की उम्र में अपने पिता के अकाउंटेंट के साथ भाग गई। भाग कर वो दोनों मुंबई आए थे, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब उनके पति ने उन्हें वैश्य वृत्ति की कोठे पर 500 रुपए में बेच दिया था। बस फिर क्या था, काठियावाड़ी में आलिया नहीं करने वाली डांस सीमा पवा ने क्यों बदला ट्रैक, और हर एक्टर को क्यों मिलना चाहिए भंसाली का साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं सोनी का जाल। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म होने वाली है गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म को लेकर हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, कोई ना कोई टैलेंटेड एक्टर इससे जुड़ता ही रहता है। और आखिर ऐसा क्यों हो भी ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है, और भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसे कहा जा सकता है। आपको बताते हैं, दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल, सावधान और सूरज पे मंगल भारी,
फिल्मों में एक्टिंग करने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस सीमा पाहवा ने ट्रैक बदल दिया है। कैसी, चलिए आपको बताते हैं। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी में सीमा ने एक ऐसी भूमिका चुनी है जो उन्होंने अब से पहले कभी करी ही नहीं है। साल 1984 में आई दूरदर्शन सीरीज हम लोग में पहली बार नेशनल पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की थी। इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है फिल्म में अपने कैरेक्टर को रिवील ना करते हुए उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भंसाली ने इस रोल के लिए उनके बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस तरह के कैरेक्टर उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी में निभाया, ना ही ऐसे रोल के प्रति उनका कभी झुकाव रहा। इस स्पेशल रोल में केवल भंसाली जैसे विजनरी ही उनके बारे में सोच सकते हैं। सीमा जी का भंसाली की फिल्मों के बारे में कहना है कि हर एक्टर जो एक्टिंग को इम्पोर्टेंस देता है उन्हें कम से कम एक बार संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहिए। उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेंस किसी भी डायरेक्टर से किए गए काम से ज्यादा मंझा हुआ है। डायरेक्टर के रूप में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक परफेक्शनिस्ट है। वो हर एक्टर और टेक्नीशियन में सबसे बेस्ट ढूंढ ही लेते हैं। जब भंसाली ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन उन्हें तब ये अंदाजा नहीं था कि एक्सपीरियंस कितना फायदेमंद होने वाला है। अब जबकि उन्होंने उनके साथ एक बार काम कर लिया है तो वो उनके साथ दोबारा काम करने के लिए और ज्यादा इंतजार कर रही है। और उन गंगू जान थी और जान ही रहेगी। आखिर क्या रहा एसआरके का रिएक्शन मूवी गंगूबाई को लेकर? क्या पोस्ट करा अक्षय कुमार ने गंगूबाई के लिए और किसके बारे में करा शाहिद कपूर ने कमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी कोई नई मूवी आती है तो सभी दूसरे सितारे उस मूवी में और उसकी मेकिंग की गपशपों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है, जिसके बारे में वो खुलकर अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में बता देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सितारों का रिएक्शन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी गंगूबाई को लेकर बताएंगे। एक क्विक रनडाउन देने के लिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि मूवी गंगूबाई को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, अंश में स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, अजय देवगन, इमरान हाशमी और काफी दूसरे एक्टर्स। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है, तो इस मूवी के एक फर्स्ट लुक एंड रिलीज डेट आउट होने पर दिया कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पॉजिटिव रिएक्शन। नेहा धूपिया, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे कई बड़े स्टार्स ने किया आलिया को कंग्रेचुलेट। साथ ही साथ सभी ने आलिया के एक्टिंग स्किल्स को भी प्रेज करा है। लिखा है कि वो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली कर रही है। शाहरुख खान, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव यू जिंदगी में काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क एज एन एक्टर लिटिल वन। ये एज सीनियर एक्टर उनका अपने जूनियर एक्टर के प्रति एक छोटा सा एनकरेजमेंट है। दोस्तों, गंगूबाई को लेकर बाहुबली के मेकर एस एस राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कि दोस्तों वो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखकर खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस जरूर ही गजब की होने वाली है। दोस्तों, अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिस दिन गंगूबाई मूवी का टाइटल सुना था उस दिन से ही मूवी के एक फैन बन गए थे। उन्हें तो टीजर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है, उसमें आलिया के प्रेजेंस भी। वो संजय लीला भंसाली के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। रणबीर सिंह ने भी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, गंगू तू चांद है, चांद ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के फर्स्ट लुक की तारीफ भी करी है। शाहिद कपूर ने भी कमेंट करके आलिया के लिए बोला, गुंडी तो हमेशा से ही थी, अब डॉन बन गई है, लविंग इट, जो कि काफी क्यूट लगा फैंस को। और दोस्तों, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड वो इसे देखने के लिए काफी बिल्कुल रेडी भी लग रहे हैं। फिल्म की रिलीज तो प्रोसेस में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।